हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिवी स्टडी शिप। दिस इज चैप्टर 12, द एज ऑफ द ऋग्वेद। और हम पढ़ रहे थे आर एस शर्मा की एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, जिसमें ऑलरेडी हम 11 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं। ये होगा हमारा चैप्टर नंबर 12, द एज ऑफ द ऋग्वेद। तो अगर आपको हमारे बाकी सभी लेक्चर देखने हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, वहाँ पर आपको सभी चैप्टर्स मिल जाएंगे। आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर 12 को, जिसमें हम पढ़ेंगे ऋग्वेद की एज के बारे में, मतलब उसको कैसे स्टार्ट हुई, वो आगे चलकर फिर क्या होता है। तो आज पूरा हम टोटल जो इसमें एक्सप्लेनेशन रहेगा वो ऋग्वेद के बारे में रहेगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अच्छी वीडियोस के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। सबसे पहले अराइवल ऑफ द इंडो आर्यंस, ठीक है, कि जो इंडो आर्यन है वो कहाँ से आए थे। तो जो इंडो आर्यन थे वो जो कंप्राइज हुए थे वो इंडो आर्यन और साथ में ईरानियन, ठीक है। ऐसा कहा जाता है कि वो कहाँ से आए थे, वो सेंट्रल एशिया के दो पार्ट से आए थे और फिर बाद में आके वो इंडिया में, मतलब सेंट्रल एशिया से आए थे और फिर धीरे धीरे वो भारत की तरफ बढ़ते चले गए। जो फर्स्ट एरिया था जहाँ से दावा किया जाता है कि वो आए थे, उसको बोलते हैं एंड्रोनोवो कल्चर। और ये जो एंड्रोनोवो जो कल्चर है आपका, ये उस समय द होल ऑफ द सेंट्रल एशिया, मतलब ये भी एक सेंट्रल एशिया का ही पार्ट था, सेकेंड मिलीनियम BC के आसपास दौरान की बात है ये। उस समय जो सेंट्रल एशिया से जो ये लोग आए थे, इस कल्चर को एंड्रोनोवो कल्चर कहा गया। तो एक पार्ट तो ये हो गया जहाँ से ऐसा कहा जाता है कि जो इंडो आर्यंस थे वो भारत में आए। सेकंड, जो आर्कियोलॉजिकली जो कहा गया है दूसरे एरिया के बारे में, वो कहा गया है जो बैक्टीरिया मार्जिनिया आर्कियोलॉजिकल कॉम्प्लेक्स जो एरिया है, ठीक है, वहाँ से। और इसकी जो टाइमलाइन है वो बताई गई है 1900 से 1500 BC के दौरान। जो ये कल्चरल जोन है कि धीरे धीरे एक्सटेंड होता है साउथ, जो साउथ हमारा सेंट्रल एशिया है उसकी तरफ, और फिर धीरे धीरे आगे ये बता रहे हैं जो हमारे सेकंड वाला जो एरिया हमने पढ़ा, हम इसके बारे में जान रहे हैं कि ये कौन सा वाला एरिया। ये वाला एरिया था हमारा साउथ सेंट्रल एशिया वाला एरिया, कि अगर आप सेंट्रल एशिया में साउथ की तरफ आएंगे तो उस एरिया को डिनोट किया गया है बैक्टीरिया मार्जिनिया आर्कियोलॉजिकल कॉम्प्लेक्स के नाम से। इसके अंदर आपका बैक्टीरिया बल्क, ठीक है, आ जाएगा, जो हमारे कवर करते हैं आज के प्रेजेंट अफगानिस्तान को, ठीक है। और जो मार्जिनिया है वो प्रेजेंट कवर करता है तुर्कमेनिस्तान को और साथ में उज़्बेकिस्तान को। तो दो पार्ट आ गए हमारे पास यहाँ पर, जो दो एरिया हैं आर्कियोलॉजिकली, जिन दो एरिया को बताया है कि यहाँ से जो इंडो आर्यन है वो भारत में आए हैं। तो पहला कौन सा था हमारा, पहला था हमारा सेंट्रल एशिया। दूसरा एरिया बताया है कि जो सेंट्रल एशिया का जो साउथ था, जिसमें हमारा अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान प्रेजेंटली अभी हैं, उस समय उसे बैक्टीरिया बल्क या फिर मार्जिनिया के नाम से बुलाया जाता था। तो दूसरा एरिया वो बताया है कि वो वहाँ से आए थे। सम सेरेमिक्स फ्रॉम साउथ उज़्बेकिस्तान एंड नॉर्थ अफगानिस्तान आर सिमिलर टू दोज फाउंड इन द गांधार ग्रेव कल्चर। जब इंडो जो आर्यंस होते हैं वो जो हमारे देश में आते हैं, तो यहाँ पर वो जो आगे बसते हैं, वो बसते हैं वो अफगानिस्तान से आगे वाले एरिया में। तो वहाँ पर एक कल्चर उभर कर आता है, वो होता है गांधार ग्रेव कल्चर, ठीक है ना, ग्रेव के लिए जो कल्चर होता है गांधार ग्रेव कल्चर। तो यहाँ पर जो हमें कुछ सेरेमिक्स मिलते हैं उज़्बेकिस्तान में और अफगानिस्तान, वो बिल्कुल हमारे सिमिलर है जो हमारा गांधार ग्रेव कल्चर है उनसे। तो इसका मतलब दोनों जो लोग थे वो कहीं ना कहीं सिमिलर थे, या तो वो कहीं से माइग्रेट होकर आए थे। द एंड्रोनोवो कल्चर मैनिफेस्ट ऑल द इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द आर्यन लाइफ। और वहीं हम अगर एंड्रोनोवो जो कल्चर है, अगर हम उसके एलिमेंट को मैनिफेस्ट करते हैं, उनकी चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, तो बिल्कुल हमें काफ़ी सारे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऐसे देखने के लिए मिलेंगे जो बिल्कुल सिमिलर है आर्यन लाइफ के। तो इसका मतलब जो आर्यन थे वो कौन से कल्चर से आए थे, वो भी एंड्रोनोवो जो कल्चर है वहाँ से आए थे कहीं ना कहीं। दीज कंप्राइज स्टॉक ब्रीडिंग, वाइड यूज ऑफ हॉर्स, स्पॉक्ड व्हील, प्रैक्टिस ऑफ क्रीमेशन, पिट ड्वेलिंग, है ना, बर्क विद अदर पार्ट ऑफ द वुड एंड सोमा ड्रिंक। तो ये सारी जो चीज़ें मैंने आपको बताई, जिसमें स्टॉक जो ब्रीडिंग है वो आता है, वो हॉर्सेस का एक बड़े नंबर पे यूज़ करते थे, स्पॉक्ड गिल के बारे में जानते थे, जो क्रिमेशन है दाह संस्कार जो होता है उसको करना वो जानते थे, पिट ड्वेलिंग, ठीक है, और जो बर्क होता है, जो ट्री होता है ना, उसको भी यूज़ करना, और साथ में जो वुड के जो और पार्ट का यूज़ करना, वो सब जानते थे। और यही सारी चीज़ें कौन जानते थे, एंड्रोनोवो कल्चर वाले भी जानते थे, और यही सारी चीज़ें जो आर्यन कल्चर के जो लोग थे वो भी जानते थे। तो ये सिमिलैरिटी हमें देखने के लिए मिलती है, जिस बेसिस पर हम कह सकते हैं कि जो ये लोग हैं ये कहाँ से माइग्रेट करके आए थे, सेंट्रल एशिया से करके आए थे। दिस कल्चर इज therefore regarded as प्रोटो इंडो ईरानियन। इस कल्चर को प्रोटो इंडो ईरानियन कल्चर भी कहा गया है, और ये धीरे धीरे स्प्रेड करता हुआ आया है ईरान से, और उसके जो नॉर्दर्न पार्ट है इंडियन का सब कॉन्टिनेंट तक धीरे धीरे आया है, कि मतलब ईरान से होता हुआ धीरे धीरे इंडिया का जो नॉर्दर्न पार्ट है पूरा, ये ईरान हो गया इधर, और इधर जो इंडिया का जो ये ऊपर का जो नॉर्दर्न पार्ट है, इस तरह से पूरा ट्रांसफर होकर ऐसे आ गया। तो इससे यही पता चलता है कि यहाँ से खुद से तो कल्चर उठ कर आया नहीं होगा, लोगों के साथ आया है, उनकी जो हैबिट्स होती हैं उनके साथ आती हैं, तो इसलिए यहाँ से ये इंडिया तक इस तरह पहुँचा, क्योंकि लोग वहाँ से माइग्रेट करके इंडिया में आ गए। अराउंड 1500 BC
बी एम ए सी शोज एविडेंस ऑफ डोमेस्टिक कॉज. जब हम बात करेंगे बी एम ए सी, जो मैंने आपको बताया था जो प्रेजेंट अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान वाला जो एरिया है, उसे यहाँ डिनोट किया गया है बी एम ए सी से. तो यहाँ पर हम अगर बी एम ए सी वाले एरिया को देखते हैं अराउंड 1500 बी सी के दौरान, तो यहाँ पर हमें कुछ एविडेंस मिलते हैं डोमेस्टिक हॉर्स के, चेरियॉइड के, स्पीक व्हील के, पार्शल क्रीमेशन के, स्वास्तिक जो हमारा साइन होता है उसके, और यही सारी चीज़ें हमें आगे चल के आर्यन लाइफ में देखने के लिए मिलती है. इसीलिए हम इस एरिया को भी बोलते हैं कि कहीं ना कहीं यहाँ से भी जो आर्यन थे वो माइग्रेट होकर इंडिया में आए थे. हाफ अ डजन ग्रेवयार्ड सजेस्ट मूवमेंट ऑफ द हर्ट्समैन. हाउएवर इन द बी एम ए सी एरिया द रिमेन ऑफ द प्रोटो अर्बन कल्चर ऑफ द प्री आर्यन टाइम सजेस्ट दैट द हर्ट्समैन हु डैमेज्ड इट फ्रॉम दिस एरिया टू द बॉर्डर ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट. तो कहीं ना कहीं जो प्री आर्यन जो टाइम था वो यहीं से स्टार्ट हुआ था, जिसे यहाँ पर प्रोटो अर्बन कल्चर से बुलाया गया है. And that is why the horse remain and the post cremation burial figured in the Sweat Valley from about 1400 BC. तो हमें बहुत सारे जो post cremation के, मतलब ऐसा लगता है कि जो लोग थे वो धीरे धीरे जब इंडिया की तरफ आ रहे थे, तो धीरे धीरे जो हमें उनकी जो उनकी जो बरियल जो एक्टिविटी थी वो हमें धीरे धीरे इंडिया की साइड होती हुई भी दिखाई देती है. ठीक है, जो स्वेट वैली थी वहाँ तक भी हमें 1400 BC तक कुछ हॉर्स रिमेन दिखाई दिए हैं. एट अबाउट द सेम टाइम सम सेरेमिक्स फ्रॉम साउथ सेंट्रल एशिया रिजेंबल दोज फाउंड इन द स्वेट रीजन. तो जब आप सेंट्रल एशिया में जो चीज़ें देख रहे हो वही आपको जो स्वेट जो रीजन है वहाँ पर भी आपको वही चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी. तो मतलब कहीं ना कहीं जो चीज़ें थी वो आपको बहुत सिमिलैरिटी दिखाई देगी जब आप सेंट्रल एशिया को या उज्बेकिस्तान तुर्कमेनिस्तान को जब आप कंपेयर करोगे, तो वहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, उनका कल्चर ऐसा है जो आपको इंडिया में रहने वाली जो आर्यन लाइफ थी उससे बहुत ज़्यादा सिमिलर दिखाई देगा. तो इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि आर्कियोलॉजिकली वो ऐसा मानते हैं कि जो लोग थे वो सेंट्रल एशिया से आए थे और साउथ सेंट्रल एशिया से आए थे. आगे है ऑफ द थ्री कवर्ड बाय द बी एम ए सी बैक्टीरिया इज़ वेल नोन इन द इंडियन ट्रेडिशन. तो अगर आप देखें जो तीन एरिया जो बी एम ए सी में बताए गए हैं उसमें जो बैक्टीरिया है वो काफ़ी ज़्यादा इंडिया के ट्रेडिशन में, मतलब काफ़ी ज़्यादा जो इंडिया का जो लोग थे वो उस एरिया को जानते थे अच्छे से. इट इज़ कॉल्ड द बहलिका, उसे ज़्यादा बहलिका बोलते थे, विच मीन एन आउटसाइड कंट्री एंड कॉन्टर माइनस विद द मॉडर्न बल्क. ठीक है, इसका मतलब ये था कि हमारे जो कंट्री से बाहर वाला जो एरिया था उसको, ठीक है, इसको बल्क के नाम से भी जानते थे. दिस टर्म इज़ नॉट मैंशन इन द ऋग्वेद, इट फिगर इन द लेटर वैदिक टेक्स्ट. अगर आप शुरुआत में देखोगे जब ऋग्वेद के को पढ़ोगे, शुरुआत वाला पार्ट है जो उसका, तो वहाँ पर आपको नहीं दिखाई देगा जो ये वर्ड है बल्क, इसके बारे में आपको कोई जिक्र नहीं मिलेगा. लेकिन आप जब उसके लेटर वैदिक टेक्स्ट को पढ़ोगे तो वहाँ पर आपको ये वर्ड देखने के लिए मिलेगा. इन वन सच टेक्स्ट पहली का अपीयर एज अ पार्ट ऑफ द नेम ऑफ द किंग. तो कुछ टेक्स्ट में ऐसा बताया भी हुआ है कि जो पहली का है वो किसी किंग का नाम था. एंड पहली का ऑल्सो फिगर इन क्लासिकल संस्कृत टेक्स्ट एंड इन इंस्क्रिप्शन. और जो ये पहली का जो ये वर्ड है ये आपको कुछ संस्कृत टेक्स्ट में भी देखने के लिए मिलेगा, ठीक है, और कुछ इंस्क्रिप्शन में भी आपको देखने के लिए मिलेगा जो ये पहली का जो शब्द है. तो हो सकता है किसी राजा का हो ये नाम. उसके बाद है कि गुप्ता इंस्क्रिप्शन जो 4th century का था वहाँ पर भी आपको एक नाम मिलेगा पहली का, जिसे कॉन्क्वायर बताया हुआ है, हु रीच देयर आफ्टर क्रॉसिंग 7 mouths ऑफ द इंडस. और उसमें ये लिखा हुआ है कि ये 7 जो इंपॉर्टेंट आपको पता है इंडस और जो उसकी जो दूसरी जो उसकी ट्रिब्यूटरीज थी उन रिवर को जो 7 बहने कहा जाता था, तो बताया है कि उसको क्रॉस करके आया था. रियल कॉन्क्वेस्ट देयर मे नॉट हैव बीन बट द एग्जिस्टेंस ऑफ बैक्टीरिया इज नोन इन द गुप्ता पीरियड. तो देखिए जो ये बैक्टीरिया का जो एग्जिस्टेंस है इसका मतलब ये गुप्ता पीरियड तक के जो लोग थे वो भी जानते थे. लेटर सोर्सेज कंसिडर्ड पंजाब टू बी बहलिका एंड डिफ्रेंशिएटेड फ्रॉम द प्राचीन ईस्टर्न इंडिया एंड बैक्टीरिया कवर अ सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ अफगानिस्तान. अगर बात करें कि जो बैक्टीरिया था उसके अंदर कौन कौन से एरिया थे, तो कुछ पाक जो अफगानिस्तान है उसका पार्ट था और इस पार्ट को जो अफगानिस्तान जो ये जगह है इसको ऋग्वेद में बहुत ही अच्छे से इसमें बताया हुआ है कि मतलब जो ऋग्वेद के जो लोग थे लिखने वाले वो अच्छे से जानते थे अफगानिस्तान वाले पार्ट को. सेवरल रिवर फ्लोइंग इन द लैंड अपीयर इन द टेक्स्ट एंड डेट द आर्यन केम टू सेटल इन अफगानिस्तान. तो देखिए बहुत सारी जो रिवर थी, हम सबको बताया कि जो भारत में जो अफगानिस्तान वाला जो एरिया है आगे जाके जब देखते हैं हम इंडिया से बाहर, तो वहाँ पर उस समय बहुत सारे रिवर हुआ करती थी. और हो सकता है कि जो आर्यन जो लोग थे वो इसी चीज़ से अट्रैक्ट हो गए और धीरे धीरे उन्होंने का जो सेटलमेंट है वो अब नॉर्थ सेंट्रल एशिया से धीरे धीरे वो साउथ सेंट्रल एशिया में अफगानिस्तान तक पहुँच गया था. इज शोन बाय द आर्यन नेम्स ऑफ द रिवर एंड अ पार्ट ऑफ दैट कंट्री इज नोन एज द आर्या और द हरिया फ्रॉम द हैरत ट्राइब. यहाँ तक कि कुछ जो नाम है हमें वो भी रिवर्स पर मिलते हैं, यहाँ तक कि जो कंट्री का नाम है वो भी हमें जो उस समय जो लोग थे उनके नाम पे मिले हैं. द अर्लीस्ट आर्यन लिव्ड इन द जोग्राफिकल एरिया कवर्ड बाय द ईस्टर्न अफगानिस्तान. अगर आप अर्लीस्ट जो आर्यन थे अगर आप उनकी लाइफ को देखोगे कि वो कहाँ पर सबसे पहले रहे थे, तो जो जो जोग्राफिकल एरिया है वो सारा हमारा ईस्टर्न अफगानिस्तान वाला है.
नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस पंजाब एंड द फ्रिंजेस ऑफ द वेस्टर्न यूपी। तो ये तीनों एरिया दिखाई देंगे आपको। अगर आप सबसे शुरुआत वाला उनकी जो लाइफ स्टाइल है देखोगे और उनका जो जोग्राफिकल एरिया है, ये सबसे पहले अगर कहाँ बसे थे हमारे जो भारत में, तो ये जगह है अफगानिस्तान से लेके उसके बाद फिर नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पंजाब और फिर वेस्टर्न यूपी तक। सम रिवर ऑफ अफगानिस्तान सच एज द रिवर कोबा एंड द रिवर इंडस और उसकी जो पाँच ब्रांचेस थी, उन सभी का जो जिक्र है वो हमें ऋग्वेद में देखने के लिए मिलता है। जो सिंधु है उसको इंडस, ठीक है, जो सिंधु कॉन्टरमाइंस विद द इंडस इज द रिवर पार्क एक्सेलेंस ऑफ द आर्यन। तो सबसे ज़्यादा जो उनके लिए इंपॉर्टेंट थी शुरुआत में तो इंडस रिवर ही थी एंड इट इज़ रिपीटेडली मैंशन, इसीलिए बार बार जो ये रिवर है इसका नाम हमें आर्यंस के जो टेक्स्ट है उसमें मिलता है। दूसरी रिवर थी सरस्वती रिवर और इस रिवर को नदी तमा भी बोलते थे, नदीतमा, और द बेस्ट रिवर ऑफ द बेस्ट ऑफ द रिवर इन द ऋग्वेद, और इसको बेस्ट रिवर बताया गया। इट इज़ आइडेंटिफाई विद द घाघरा हकरा चैनल इन द हरियाणा और राजस्थान। तो इसे इस नाम से भी बुलाया गया है अगर हम हरियाणा और राजस्थान में देखें तो। बट इन रिक वैदिक डिस्क्रिप्शन शोज इट टू बी द अवस्थन रिवर और द हरकावती और द प्रेजेंट हेलमंद रिवर इन द साउथ अफगानिस्तान वेयर द नेम सरस्वती वॉज ट्रांसफर टू इंडिया। तो ऐसा कहा गया है कि जो ऋग्वेद के जो डिस्क्रिप्शन है उसमें ऐसा दिखाया गया है कि जो ये घग्गर हाकरा जो रिवर है हमारी सरस्वती रिवर है, ऐसी कोई रिवर दूसरी कहाँ पर थी, अफगानिस्तान में थी, और उसी के नाम से यहाँ पर आके जो जब वो जो लोग आए कि मतलब उन्होंने इस नाम को ट्रांसफ़र कर दिया जो इंडिया में जो रिवर थी उसके लिए, ठीक है। द एंटायर रीजन इन विच द आर्यन फर्स्ट सेटल इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट इज कॉल्ड द लैंड ऑफ द सेवन रिवर। तो सबसे पहले आकर जहाँ पर आर्यन इंडिया में सेटल हुए वो जो एरिया था उसको बोलते थे लैंड ऑफ द सेवन रिवर, क्योंकि वहाँ से सात बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर्स निकलती थी और उसी एरिया के इर्द गिर्द, उन्हीं रिवर्स के इर्द गिर्द ये लोग वहाँ पर बस गए थे, क्योंकि उस समय सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट था वो वाटर हुआ करता था, इसीलिए ये वहाँ पर अपने आप को उन्होंने सेटल कर लिया। वी नो अबाउट द आर्यन इन इंडिया फ्रॉम द ऋग्वेदा एंड द टर्म आर्य अकर 36 टाइम इन द टेक्स्ट। हम सब जानते हैं इंडिया में जो सबसे पहले जो थे ये आर्यंस थे, और ये बात हमें पता चलती है ऋग्वेद से। जो आर्य है जो शब्द है वो हमें टेक्स्ट में कम से कम 36 टाइम देखने के लिए मिलता है ऋग्वेद के अंदर, कम से कम 36 बार ये जो आर्य शब्द है इसी को लिखा गया ऋग्वेद के अंदर। और ये एक कल्चरल को, ठीक है ना, एक कल्चरल जो कम्युनिटी थी उसको डिनोट करता था। और ये कौन सी लैंग्वेज बोलते थे, इंडो आर्यन लैंग्वेज बोलते थे। जो ऋग्वेद था ये हमारा अर्लीस्ट इंडो यूरोपियन लैंग्वेज है, जो ऋग्वेद के अंदर जो टेक्स्ट है वो हमारी सबसे पहली जो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज है जो संस्कृत में लिखी गई थी, ओके, बट ऑल्सो इंक्लूड मैनी मुंडा एंड द्रविड़ियन वर्ड। लेकिन जो आप ऋग्वेद को देखोगे तो पूरा संस्कृत में लिखा हुआ है और इसे इंडो यूरोपियन लैंग्वेज कहा गया था, लेकिन इसमें कुछ शब्द आपको जो मुंडा और जो द्रविड़ियन जो वर्ड्स हैं जो साउथ में यूज़ होते थे इंडिया में, वो उन वर्ड का भी आपको यहाँ पर ऋग्वेद में मेंशन मिलेगा। प्रोबेबली दीज वर्ड्स परकुलेटेड टू द ऋग्वेदा थ्रू द लैंग्वेज ऑफ द हड़प्पन। तो ऐसा हो सकता है कि कुछ जो ये शब्द है ऋग्वेद में है ना, ये कहाँ से आए हैं, ये हड़प्पन से आया, कि हो सकता है कुछ ना कुछ तो लोग बच गए हो हड़प्पा के, वो भी कहीं ना कहीं भारत में रह रहे हो, तो उनके साथ जब ये ऋग्वेद जो आर्यन जो लोग थे वो आए होंगे तो कहीं ना कहीं दोनों का थोड़ा बहुत कल्चर मिक्स हो गया होगा और आपस में कुछ ना कुछ वर्ड्स शेयर हो गए होंगे। इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ प्रेयर ऑफर टू अग्नि इंद्र मित्र वरुण एंड द अदर गॉड बाय वेरियस फैमिलीज ऑफ पॉइट एंड सेजेस। देखिए ऋग्वेद के अंदर आपको बहुत सारी प्रेयर्स मिलेंगी, बहुत सारे कलेक्शन मिलते हैं जो प्रेयर्स के हैं उनके, और ये जितने भी प्रेयर्स हैं या तो ये अग्नि को ऑफर की जाती थी, इंद्र के बारे में, मित्र वरुण, ये सारे उस समय गॉड हुआ करते थे, और ये जितनी भी जो पॉइट जो फैमिलीज होती हैं या ऋषि मुनि होते थे उनके द्वारा ये सब जो चीज़ें प्रेयर वगैरह ये ऑफर की जाती थी इन सभी देवी देवताओं को। इसके अंदर एक जो बुक है इसको 10 मंडल में इसको बनाया हुआ है इस बुक को, जिसमें हमारा जो सेकंड और जो सेवन्थ मंडल है, ठीक है, सेकंड से लेके जो सेवन्थ मंडल है हमारा वो सबसे अर्लीस्ट है, मतलब सबसे पुराने हमारे सेकंड से लेके जो सेवन्थ के बीच में जितने भी मंडल है ये सबसे पुराने हैं। एंड बुक फर्स्ट एंड टेंथ सीम टू हैव बीन द लेटेस्ट एडिशन। और जो मंडल हमारा फर्स्ट और जो टेंथ मंडल है वो हमारा लेटेस्ट एडिशन है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ऋग्वेद में कितने मंडल है, 10 मंडल्स में ये बुक को पूरा बनाया हुआ है, जिसमें हमारा सेकेंड से लेके सेवन्थ मंडल तक ये हमारे पुराने मंडल पुराने हैं, ठीक है, अर्लीस्ट पार्ट है ये, लेकिन बाद में फर्स्ट और टेंथ मंडल को उसमें जोड़ा गया था। जो ऋग्वेद हैज़ मैनी थिंग इन कॉमन विद द अवस्था। देखिए जो ये अवस्था जो बुक है ये एक ईरानियन लैंग्वेज बुक है और ईरानियन लैंग्वेज का ये एक बहुत ही ओल्डेस्ट टेक्स्ट है। जैसे हमारे यहाँ पर ऋग्वेद पढ़ेंगे हम बाकी और जो इंपॉर्टेंट लिटरेचर है, वैसे ही ये भी एक लिटरेचर है जो कि ईरान की है। तो यहाँ पर जो हम ऋग्वेद को पढ़ते हैं और जो अवस्था को अगर हम देखें तो दोनों में बहुत सारी चीज़ें हमें कॉमन मिलती हैं। जो दोनों ही टेक्स्ट है उसमें बहुत सारे गॉड ऐसे हैं, सोशल क्लास
जो यहाँ पर ऋग्वेद के अंदर मेंशन की गई है, कुछ जो गॉड यहाँ पर मेंशन किए गए हैं वहाँ पर भी सेम ऐसे ही मेंशन किए गए हैं। अब अवस्था कहाँ से? ईरान से। ईरान सेंट्रल एशिया का पार्ट है, तो वही चीज़ें बार बार दिखाई दे रही हैं हमें कि सिमिलर एलिमेंट्स हैं दोनों ही एरिया के बीच में। तो इसीलिए ही बार बार कहा जाता है कि जो ये लोग थे ये सेंट्रल एशिया से आए थे, क्योंकि वहाँ पर हमें वही चीज़ें होती हुई दिखाई दी है दे रही हैं जो हमें अब भारत में दिख रही हैं। तो इसलिए कहते हैं कि ये जो अवस्था है, जो ऋग्वेद है, वो काफ़ी सारी एक साथ जो चीज़ें हैं उसमें कॉमन है, क्योंकि इनको लिखने वाले कहीं ना कहीं एक ही लोग थे। हाउएवर द अर्लीस्ट स्पेसिमेन ऑफ द इंडो यूरोपियन लैंग्वेज इज़ फाउंड इन इंस्क्रिप्शन ऑफ 2200 BC फ्रॉम इराक। अगर हम बात करें जो हमारा सबसे पहले जो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज का इंस्क्रिप्शन देखे तो वो हमें इराक से मिलता है। सच स्पेसिमेन अकर इन हिटाइट इंस्क्रिप्शन इन एनाटोलिया टर्की। ठीक है, तो इसी तरह का हमें जो इंस्क्रिप्शन है बाकी हमें टर्की से भी मिलता है फ्रॉम 19 to 7 सेंचुरी के बीच में। उसके बाद फिर जो माइसेनियन इंस्क्रिप्शन है वो मिलता है हमें ग्रीस से। आर्यन नेम अपीयर इन अ कैसाइट इंस्क्रिप्शन ऑफ 1600 फ्रॉम द इराक। तो हमें एक और फिर आर्यन, फिर ये जगह जगह से हमें कैसाइट इंस्क्रिप्शन वगैरह मिल रहे हैं, ये हमें इराक से मिलता है। जो मितानी इंस्क्रिप्शन है वो हमें 14th सेंचुरी में सीरिया से मिलता है। तो ये सारे हमें अलग अलग इंडो यूरोपियन जो लैंग्वेज है उसके इंस्क्रिप्शन देखने के लिए मिलते हैं, और बाद में चल के ये सारी चीज़ें हमें भारत में भी देखने के लिए मिलती हैं। तो हमें पता चल रहा है किस तरह से वो जो लोग हैं उनका स्प्रेड हो रहा है, फैलते जा रहे हैं। वो जो आर्यन है वो इंडिया में आते हैं, ठीक है, इंडिया में माइग्रेट होकर आते हैं, और सेवरल वेव्स में आते हैं। अगर आप पहली वेव की बात करें तो उन लोगों को रिप्रेजेंट किया गया है ऋग्वैदिक पीपल के नाम से, ठीक है, जो सब कॉन्टिनेंट में आए हमारे कब 1500 BC में आए, ठीक है, जो 1500 BC में जो लोग आए आर्यन भारत में उनको कहा गया ऋग्वैदिक पीपल। द केम इन टू कॉन्फ्लिक्ट विद द इंडिजीनियस एबिटेंट कॉल्ड द दासाज एंड दसु। अब जब वो यहाँ पर आए तो यहाँ पर भी ऐसा था नहीं कि पूरा का पूरा जो कॉन्टिनेंट हमारा खाली पड़ा था, नहीं, यहाँ पर भी कुछ जो लोग थे पहले से रह रहे थे, ठीक है, जो यहीं के रहने वाले थे, अब इनके बीच में हो गया क्या, लड़ाई झगड़ा हो गया। और ये जो इनहैबिटेंट थे यहाँ पर रहने वाले, ठीक है, इनको ये लोग बोलते थे दास, मतलब ये जो आर्यन थे ये इनको दास, दासाज या दासूज बोलते थे। अब क्या हो गया, आर्यन के बीच में और जो दासूज है उनके बीच में हो गया झगड़ा। एज द दासाज आर ऑल्सो मैंशन इन द एशियन ईरानियन लिटरेचर। अगर आप ये दास वर्ड देखेंगे तो ये दास वर्ड आपको जो पुराना जो ईरानियन लिटरेचर है, ठीक है, वहाँ पर भी आपको ये वर्ड दिखाई देगा दास। द ऋग वेद मैंशन द डिफीट ऑफ द सांभरा बाय द चीफ कॉल्ड देवोदासा ऑफ द भारत क्लैन, एंड इन दिस केस द टर्म दास अपीयर इन द नेम देवोदासा, एंड इन ऑल प्रोबेबिलिटी द दासूज इन द ऋग्वेद रिप्रेजेंट द ओरिजिनल इनहेबिटेंट ऑफ इंडिया। तो देखिए, अब जब इनके बीच में झगड़ा होता है, अब ऋग्वेद में ऐसा मेंशन किया हुआ है कि डिफीट हो जाती है किसकी, जो सांभरा जो चीफ होता है, ठीक है, डिफीट ऑफ द सांभरा बाय द चीफ कॉल्ड देवोदास। एक सांभरा नाम का चीफ होता है, सॉरी, एक कोई एक ये जो सार के बारे में बताया सांभरा, तो ये हार जाता है, इसकी डिफीट हो जाती है, और इसको हराने वाला कौन होता है, देवोदास, ठीक है, देवोदास। और ये होता है भारत क्लैन का, जो ये भारत क्लैन है ये उस समय इंडिया का ही क्लैन था, ये इसी के नाम पे आगे चल के हमारे कॉन्टिनेंट का नाम भारत पड़ता है। इस केस में क्या होता है, जो टर्म होती है दास, ठीक है, वो अपीयर होती है क्योंकि इसकी वजह से, इसके नाम के पीछे क्या लगा हुआ है, दास लगा हुआ है। इन ऑल प्रोबेबिलिटी द दासूज इन द ऋग्वेदा रिप्रेजेंट द ओरिजिनल इनहेबिटेंट ऑफ इंडिया। इसीलिए अब यहाँ पर भारत में रूल करने वाला कौन था, भारत क्लैन का इंसान था, और जो राजा था यहाँ पर जिसने सबको हराया उसका नाम क्या था, जो चीफ था जो सबको हराया जिसने, उसका नाम था देवदासा। तो ये जो देवदासों के नाम पे ही ये दासा नाम पड़ा, कहाँ पर, भारत के अंदर, जो यहाँ भारत में रहने वाले जो लोग थे, ठीक है। अभी यहाँ पर कहानी बताई जा रही है वो जो आर्य लोगों से पहले की कहानी है कि यहाँ पर किसी ने जो सांभरा है उसको हरा दिया था, इतना याद रखना है बस आपको। और हराने वाला कौन था, एक चीफ था देवोदासा, और ये भारत क्लैन का था। इसीलिए आगे चल के जब सांभरा तो हार गया, अब रूल किसका आ गया, देवोदास का आ गया, और उस दास के नाम पर ही, जो देवोदास जो नाम है उसके नाम पर ही, क्योंकि उसके नाम से जुड़े हुए जो नाम था वो उसके जो लोग हैं उनको मिल गया, जो यहाँ पर पहले से रह रहे थे दास नाम से। तो आप अभी उसको इस तरह कंसिडर मत करना, क्योंकि अब तो दास का मतलब कुछ और ही है ना, कि कोई किसी के अंडर रह के काम कर रहा है। लेकिन उस समय ये इस जो ये जो चीफ है इसका नाम था देवोदासा, तो यहाँ पर इसके नाम से ये दास शब्द को लिया गया था, और फिर यहीं पर जो रहने वाले जो लोग थे उनको दास कह के बुलाया जाता था। ओके, आगे देखते हैं। इन ऑल प्रोबेबिलिटी द दासूज इन द ऋग्वेद रिप्रेजेंट द ओरिजिनल इनहेबिटेंट। तो इसीलिए ऋग्वेद में जो दास शब्द है वो उनके लिए यूज़ किया गया है जो यहाँ के ओरिजिनल इनहेबिटेंट थे, ठीक है, जो आर्यन लोग थे, उन्होंने अपने ऋग्वेद में बताया है कि जो यहाँ पर जो पहले से जो लोग रह रहे थे उनको उन्होंने दास के नाम से बुलाया। आर्यन चीफ हु एम्पावर्ड देम वाज कॉल्ड द त्राय दसु। अब यहाँ पर जो आर्यन चीफ थे, अब आते ही उन्होंने क्या कर दिया, इनको ओवरपावर कर दिया, और उनको क्या कहा गया, त्राय दासु, ठीक है। द आर्यन चीफ वॉज सॉफ्ट टूवर्ड द दासूज,
सॉरी दासाज बट वेरी हॉस्टाइल टू द दासूस। अब देखिए यहाँ पर हुआ क्या, जो आर्यन चीफ थे वो बड़े सॉफ्ट थे किसको लेके, जो दासाज थे उनको लेके, लेकिन बहुत ज़्यादा हॉस्टाइल थे किसको लेके, दासूस को लेके। ओके ठीक है, अब यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया जो आर्यन चीफ थे वो सॉफ्ट थे किसके लिए, दासाज के लिए, ये बहुत ज़्यादा हॉस्टाइल थे किसके लिए, दासूस के लिए। अब यहाँ पर ये जो दासाज और दासूस है ये दोनों ही ओरिजिनल इनहैबिटेंट है यहाँ भारत में रहने वाले, जो पहले से रह रहे थे, लेकिन उनमें से कुछ लोगों को दासूस बोला जा रहा है, कुछ को दासाज बोला जा रहा है। अब जो आर्यन चीफ थे वो दासाज के लिए तो बड़े अच्छे थे, क्योंकि यहाँ पर आते उन्होंने क्या शुरू कर दिया, अपने आप को सुप्रीम बताना शुरू कर दिया, यहाँ के लोगों को उन्हें देख के लगता था कि इनको तो कुछ आता ही नहीं है। तो यहाँ पर ये जो आर्यन चीफ थे ये दासाज के लिए तो फिर भी सही थे, लेकिन जो दासूस थे जो लोग थे इनके लिए सही नहीं थे। जो टर्म है ये दासू हत्या, जो स्लॉटर ऑफ दासूस, ठीक है, तो जो लोग इन दासूस को स्लॉट करते थे, इनको मारते थे, उनको एक टर्म दी गई ये दासूस हत्या, ठीक है, ये एक टर्म दी गई जो लोग इनको दासूस को परेशान करते थे। जैसे मैंने आपको बताया ये आर्यन चीफ थे, दासास को तो फिर भी उनके प्रति थोड़ा सही रहते थे, लेकिन इनके लिए वो सही उनका नेचर नहीं था, तो इसीलिए इनको स्लॉट करने वालों को एक टर्म दी गई। ये जो चीज़ें हैं, जो स्लॉटर है, ये जो वर्ड है, ये बार बार हमें ऋग्वेद में इसका जिक्र मिलता है। अब ये जो दासूस हैं, कुछ ना कुछ जो ये आर्यन के और इनके बीच में कुछ ना कुछ तो ऐसी डिसिमिलैरिटी रही होगी जो इनकी नहीं बन रही थी। तो देखिए ये चीज़ थी कि जो ये दासूस थे ये एक तो पूजा करते थे किसकी, फैलस की पूजा करते थे, और ये कभी भी जो कैटल है उनको, उनके जो डेयरी प्रोडक्ट है उनको कंज्यूम नहीं करते थे, मतलब ये उस चीज़ को सही भी नहीं मानते थे कि उनके डेयरी जो प्रोडक्ट है उनको कि कंज्यूम किया जाए। लेकिन जो आर्यन चीफ थे उनका तो काम ही यही था कि कैटल्स वगैरह पालना, उनको डोमेस्टिकेट करना, तो हो सकता है ये भी एक रीज़न रहा हो। अपर देयर ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट्स, वी नो लिटिल अबाउट द वेपन्स ऑफ द एडवर्सरीज ऑफ द इंडो आर्यन पीपल, although we hear of many defeats inflicted by the Indra on the enemies of the Aryan and the Ring Veda, Indra is the Purendra which mean that he destroyed dueling unit। तो देखिए ऋग वेद में जो बार बार जो इंद्र का जो नाम आता है वो इंद्र देवता की पूजा करते थे, उनके लिए वो देवता थे, और उनको जो ये पुरेंद्र भी बोलते थे, और यहाँ पर ये मानते थे कि ये अगर हम कुछ मतलब ऐसा कुछ काम करेंगे जो उनको पसंद नहीं आएगा तो ये सब चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर देंगे, तो मतलब इनके लिए डिस्ट्रॉयर थे। We cannot, however, identify these unit held by the pre-Aryans, some of which may have been situated in the North Afghanistan. The Indo-Aryan succeed everywhere because he had chariot drawn by the horses and introduced them for the first time into the West Asia and India. तो देखिए जो ये आगे चल के horses, chariot है ना, रथ ये सब वगैरह, ये सब भी किसने इंट्रोड्यूस किया था, ये भी आगे चल के Indo-Aryan ही इंट्रोड्यूस करते हैं। पहले उन्होंने वेस्ट में ये सब चीज़ें इंट्रोड्यूस की, वेस्टर्न एशिया में, और उसके बाद जब वो भारत में आए तो भारत में भी ये सब चीज़ें उन्होंने इंट्रोड्यूस करी कि ये सब चीज़ें कैसे बनती है, कैसे चलाई जाती है। जो आर्यन सोल्जर थे वो मतलब उनको काफ़ी नॉलेज थी अगर हम यहाँ के लोगों से के हिसाब से देखें, ठीक है। तो आर्यन सोल्जर वर प्रोबेबली ऑल्सो इक्विप्ड विद कोट ऑफ मेल एंड द बेटर आर्म्स, तो उनके पास आर्म्स वगैरह भी सब होते थे, तो मतलब ये था कहीं ना कहीं वो वेपन्स के बारे में नॉलेज थी उनको। जो इंडो आर्यंस थे वर एंगेज्ड इन टू टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, फर्स्ट दे फाउट विद द प्री आर्यंस एंड सेकेंडली दे फाउट अमंगस देमसेल्व। अब जो इंडो आर्यन जो लोग थे इनमें दो तरह की लड़ाइयाँ रहती थी, पहले तो ये कि ये हमेशा किसके साथ लड़ते रहते थे, प्री आर्यंस के साथ, मतलब जो पहले सबसे पहले जो आर्यंस थे उनके साथ उनका लड़ाई झगड़ा चलता रहता था। दूसरा ये आपस में भी लड़ते रहते थे। इंट्रा ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट रॉक द आर्यन कम्युनिटीज फॉर द लॉन्ग टाइम एंड अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन द आर्यन वर डिवाइडेड इंटू फाइव ट्राइब्स। अब इनमें बचते बचते इनमें इतनी बच गई कि ये कितने फाइव ट्राइब्स में डिवाइड हो गए, कि मतलब ये जो थे पहले तो एक साथ थे लेकिन अब बाद में क्या हो गया, इनमें आपस में लड़ाई होती गई और ये पांच ट्राइब्स में बट गए, ठीक है। बट देयर माइट हैव बीन अदर ट्राइब्स टू। अब देखिए ये जो पांच ट्राइब थे ये तो इंपॉर्टेंट ट्राइब्स थे क्योंकि हम कह सकते हैं ये पावरफुल ट्राइब्स थी, इनके अलावा भी और ट्राइब्स और थी छोटी मोटी। आर्यन फाउट्स अमंगस्ट देमसेल्फ एंड समटाइम इनलिस्टेड द सपोर्ट ऑफ द नॉर्दर्न पीपल फॉर द पर्पस। आपस में लड़ते थे ये पांच इंपॉर्टेंट ट्राइब थी और कभी कभी ये अपने में शामिल करने के लिए, मतलब अपने दुश्मन को हराने के लिए, जो नॉर आर्यन जो पीपल थे, मतलब है ना जो आर्यन नहीं थे, आर्यन से पहले जो लोग थे, उनको भी इसमें अपने अंदर शामिल कर लिया करते थे लड़ाई झगड़े के लिए। द भारत एंड द त्रित्सु वर द रूलिंग आर्यन क्लैन। तो जो ये भारत और जो त्रित्सु है ये उस समय का रूलिंग आर्यन क्लैन था एंड दे वर सपोर्टेड बाय द प्रिस्ट वशिष्ठ, और इनको सपोर्ट करने वाले उस समय जो प्रिस्ट थे वो थे वशिष्ठ। जो कंट्री थी हमारी भारतवर्ष वो इवेंचुअली नेम्ड आफ्टर द ट्राइब ऑफ भारत। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो भारत जो नाम है वो हमारी ट्राइब को कम मिलता है, जो भारतवर्ष जो नाम है वो इसी ट्राइब के ऊपर हमारे देश को नाम मिलता है, इंडियन जो सब कॉन्टिनेंट है उसको नाम मिलता है भारतवर्ष, विच इज़ फर्स्ट मैंशन इन द ऋग्वेद, और ये समय पता चलता है ऋग्वेद से। जो भारत रूलिंग क्लैन वॉज अपोज्ड बाय द होस्ट ऑफ टेन चीफ
फाइव ऑफ होम वर हैड बाय द आर्यन क्लाइब एंड द रिमेनिंग फाइव ऑफ द नॉन आर्यन पीपल। ठीक है, जो ये भारत जो रूलिंग क्लैन था, ये जो पूरा वंश था ये भारत रूलिंग क्लैन, इसके खिलाफ पाँच तो आर्यन ट्राइब्स खड़ी हो जाती है और पाँच नॉन आर्यन पीपल खड़े हो जाते हैं। जो ये बैटल है, अब एक तरफ तो 10 चीफ है और एक तरफ अकेला कौन है, जो भारत वंश का जो राजा है, इनके बीच में होती है लड़ाई। इस लड़ाई को बोला जाता है बैटल ऑफ 10 किंग्स, है ना। बैटल ऑफ 10 किंग्स आप समझ गए हो क्यों कहा जाता है, क्योंकि इधर भारत जो भारत क्लैन था और दूसरी तरफ 10 अलग थे, उनमें पाँच दूसरे वो थे आर्यन जो लोग थे और पाँच नॉन आर्यन थे। इट वॉज फाउंड ऑन द रिवर परुश्नी, ये लड़ा गया था परुश्नी रिवर के पास, ठीक है, विद द रिवर रावी। इट गिव द विक्ट्री टू द सुदास एंड एस्टैब्लिश द सुप्रीमेसी ऑफ भारत। ठीक है, और यहाँ पर किसकी विक्ट्री होती है, सुदास की विक्ट्री होती है, और यहाँ पर किसकी सुप्रीमेसी आती है, भारत की, मतलब जो भारत क्लैन था वो जीत गया था। ऑफ द डिफीटेड ट्राइब द मोस्ट इंपॉर्टेंट वॉज द पोरस, जो जितनी भी जो ट्राइब्स हार गई थी उनमें सबसे इंपॉर्टेंट थी वो थी पोरस। सब्सिक्वेंटली भारत ज्वाइन हैंड विद द पोरस, और यहाँ पर अब भारत ने किसके साथ हाथ मिला लिए, जो अपनी जिस ट्राइब को उसने हरा दिया पोरस को, क्योंकि वो काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्राइब थी, और एक नई रूलिंग ट्राइब बनकर आई जिसे कहा गया कुरूस। ये जो कुरूस है ये आगे चल के कम्बाइंड होती है पांचाल के साथ एंड टुगेदर इस्टेब्लिश देयर रूल इन द अपर गैंगेटिक बेसन। और जैसे ही जो भारत है उसने पुरूस के साथ हाथ मिला के वो कुरूस बन गई, और आगे चल के फिर वो पांचाल के साथ उसने हाथ मिला लिया, अब वो एक बहुत ही पावरफुल क्लैन बन चुका था और उसने आगे चल के रूल करा अपर गैंगेटिक जो बेसिन है वहाँ पर। और ये सब हमें पता चलता है जो हमारा लेटर जो वैदिक टाइम है वहाँ से हमें पता चलता है। कैटल रियरिंग और एग्रीकल्चर की बात करें तो वी कैन सी सम आइडिया ऑफ द मटेरियल लाइफ ऑफ द ऋग्वैदिक आर्यन दैट दे ऑन देयर सक्सेस हॉर्स का यूज़ करते थे, चैरियट वगैरह का यूज़ करते थे, ठीक है, और उनके पास कुछ बेटर आर्म्स होते थे जो ब्रॉन्ज वगैरह के बने होते थे। ये हमें सब चीज़ें पता चलती हैं जो हमारे पास आर्कियोलॉजिकल जो एविडेंस मिलते हैं हमें उस समय के। ये स्पॉक व्हील के बारे में भी जानते थे, ठीक है, स्पॉक व्हील होता है, इसके बारे में भी जानते थे, इस तरह से जो व्हील होता है। और When they settled in the western part of the subcontinent, they possibly used copper supplied by the Khetri miner Rajasthan. और ये जो लोग थे जब ये सेटल हुए थे, जो हमारा सब कॉन्टिनेंट का जो वेस्टर्न पार्ट है, जब ये वहाँ पर सेटल हुए थे तो प्रोबेबली ये वहाँ से ये पॉसिबली ये होता क्या था कि कॉपर का जो यूज़ था उसको भी करते थे। और ये जो कॉपर था ये कहाँ से आता था, राजस्थान में जो खेतरी माइंस है, जो अपनी कॉपर के लिए ही फेमस है, कॉपर माइंस के लिए, वहाँ से सप्लाई होता होगा जो ये कॉपर था, और ये फिर पहुँचता था आर्यन के पास और वहाँ से ये इनके टूल्स या फिर इनके जो बर्तन वगैरह वो बनाते थे। जो ऋग्वेदिक पीपल है उनको काफ़ी अच्छी नॉलेज थी एग्रीकल्चर के बारे में। जो प्लग शेयर है, जो हल होता था, उसका भी मेंशन मिला है हमें ऋग्वेद में, तो इसलिए ऋग्वेद में अगर उसमें लिखा गया तो उसका मतलब ये है कि उनको पता था ये सब चीज़ों के बारे में, ठीक है। दे वर एक्वेंटेड विद द सोइंग, हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग, वो सब चीज़ें जानते थे, ये कैसे बीज लगाना है और कैसे वो हार्वेस्ट होता है, फिर बाद में कैसे थ्रेशिंग होती है, डिफरेंट सीजन्स के बारे में भी जानते थे। एग्रीकल्चर के बारे में उनको काफ़ी अच्छी नॉलेज थी, मतलब जो प्री आर्यन लोग थे उनसे भी अच्छी नॉलेज थी। However, there are so many references to the cow and the bull in the Rigveda that the Rigvedic people can called as predominantly pastoral people. तो basically जो ये लोग थे, अगर हम बात करें ऋग्वेद में जो बताया हुआ है कि ज़्यादातर जो ये ऋग्वेदिक जो लोग थे ये pastoral थे, ये मतलब जिनके अपने खुद के जानवर होते हैं उनको चलाते हैं। मोस्ट ऑफ देयर वॉर वर फाउट ओवर द काउस, और ज़्यादातर इनमें जो लड़ाई होती थी ना, अभी ये जो स्टार्टिंग का जो टाइम होता है ऋग्वेदिक काल का, ये कोई इसकी ज़मीन वगैरह के लिए नहीं लड़ते थे, बल्कि इनकी जो बेसिकली जो लड़ाई होती थी वो होती थी उस समय काऊ के लिए, जो काउस वगैरह होती है गाय के लिए लड़ाई होती थी। द टर्म फॉर वॉर इन द ऋग्वेद इज द गव स्थिति और द सर्च फॉर काऊ, तो ये जो इनका जो लड़ाई झगड़ा जो वॉर थी वो काऊ के सर्च के लिए होती थी, अगर किसी ने किसी काऊ को नुकसान पहुंचा दिया तो उसी बात पे भी लड़ाई झगड़े हो जाते थे। उस समय जो सबसे इंपॉर्टेंट जो वेल्थ थी वो भी हमारी गाय ही थी। वेन एवर वी हियर ऑफ अ गिफ्ट मेड टू प्रेस द यूजुअली कंसिस्ट ऑफ काऊ एंड वुमन स्लेव्स नेवर ऑफ आवर लैंड, तो अगर हम बात करें कि उस समय जो पुजारी जो पंडित होते थे उनको अगर कोई गिफ्ट ऑफर करना है तो उसमें या तो सबसे इंपॉर्टेंट गाय होती थी कि गाय अगर आप उनको गिफ्ट कर दोगे तो बहुत ही अच्छा है, या फिर वुमन स्लेव्स के जो वुमेंस होती हैं उनको स्लेव बना के उनके साथ भेज दो। जो ऋग्वैदिक पीपल थे मे हैव ओकेजनली ऑक्यूपाइड पीस ऑफ लैंड फॉर ग्रेजिंग एंड कल्टीवेशन सेटलमेंट, बट लैंड डिड नॉट फॉर्म अ वेल एस्टेब्लिश टाइप ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। ये जो लोग थे ये अपने गाय के लिए, अपने और जो जानवर थे उनके लिए ये लैंड को ऑक्यूपाई तो कर लेते थे किसी पीस को, ठीक है, अगर इनको कोई अवसर मिलता है, ओकेजनली कुछ मिल जाती है इनको लैंड, तो उसको ये यूज़ करते थे फॉर ग्रेजिंग, कल्टीवेशन, सेटलमेंट, लेकिन किसी भी तरह का कोई इस पर वेल एस्टैब्लिश अपना राइट नहीं रखते थे कि इट वॉज माई प्रॉपर्टी या ये मेरी प्रॉपर्टी थी तो इसे मैं ही यूज़ करूँगा, ऐसा कुछ नहीं रखते थे। तो ऋग्वैदिक जो पीपल हैं
जो हमें ऋग्वेद मिलता है उसमें मेंशन किया गया है कि वो जो लोग थे वो आर्टिशियंस भी हुआ करते थे, कि मतलब कारपेंटरी, ठीक है, और रथ वगैरह बनाना भी जानते थे वो, वीवर्स भी हुआ करते थे, लेदर का भी काम जानते थे, पॉटर जो मिट्टी के घड़े वगैरह होते हैं वो भी जानते थे, मतलब इनको क्राफ्ट वर्क भी पता था। एक टर्म दी हुई है अयास, इस अयास जो टर्म है इसको यूज़ किया जाता था कॉपर और ब्रॉन्ज के लिए। शोज दैट मेटल वर्किंग वॉज नॉन, तो मतलब ये अयास का मतलब होता था एक तरह से मेटल मान लो, और मेटल उस टाइम पर ये यूज़ होते थे। वी डू नॉट हाउ एवर हैव क्लियर एविडेंस ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ रेगुलर ट्रेड, हमें इतना तो पता है कि शायद ट्रेड होता था, लेकिन वो बिल्कुल क्लियरली कोई एविडेंस नहीं मिलता है कि कोई रेगुलर ट्रेड होता था, कि मतलब हमेशा एक अच्छा ट्रेड चल रहा है। जो आर्यन और जो वैदिक पीपल थे वो यूजुअली जो लैंड का जो यूज़ करते थे, मतलब वो ज़्यादातर जो लैंड फ्रूट है उसी को यूज़ करते थे। बिकॉज द वर्ड समुद्र मैंशन इन द ऋग्वेद प्रिमली इंडिकेट अ स्ट्रेच ऑफ वाटर, तो यहाँ पर एक टर्म हमें मिलती है समुद्र की, तो शायद हो सकता है जो ये टर्म है जो ये समुद्र ये वो पानी के लिए ड्रोट करते थे। एक टर्म मिलती है पुर, इसका भी मेंशन मिलता है हमें, आदर अ ड्विलिंग यूनिट और अ क्लस्टर ऑफ सच यूनिट नॉट अ सिटी और अ फोर्ट, तो जो ये पुर है ये बताया है कि शायद कोई जो ड्विलिंग जो यूनिट है, ठीक है, उसको कहा गया है, हालांकि किसी सिटी या फोर्ट के लिए तो ये टर्म बिल्कुल भी नहीं है। समटाइम्स सच यूनिट इज क्रेडिट विद अ थाउजेंड डोर बट द टर्म शास्त्र इज यूज इन एक्सर्जेशन इन मैनी प्लेसेज इन द ऋग्वेद, दे अफोर द आर्यन डिड नॉट लिव इन सिटीज एंड पॉसिबली लिव इन सम काइंड ऑफ फोर्टिफाइड मर्ड सेटलमेंट, तो देखिए जो ये लोग हैं ना ये किसी बड़ी बड़ी उस समय सिटीज़ में नहीं रहते थे, ना इन्होंने कोशिश करी उस समय बनाने की, ये बस क्या कोशिश करते थे कि ऐसी जगह हो जो फोर्टिफाइड हो, ठीक है, और वो बेसिकली वो उनकी मर्ड सेटलमेंट होती थी, मिट्टी के कच्चे पक्के घर होते थे और वो उसी से सेटिस्फाई थे। दे वर ऑल्सो फैमिलियर विद द केव्स इन द माउंटेन, और यहाँ तक कि कुछ माउंटेन्स वगैरह में जो केव वगैरह होती थी वो उसमें भी रह लिया करते थे, तो ये बिल्कुल शुरुआत वाली लाइफ है ऋग्वेदिक पीपल की। हालांकि जब हम लेटर वैदिक पीपल देखेंगे तो काफ़ी इनके रहने सहने में चेंज आएगा, इनकी जो लाइफ स्टाइल है उसमें चेंज देखने के लिए मिलेगा। रिसेंटली जो हमें साइट मिलती है भगवान पूरा हरियाणा में, और जो दूसरी साइट्स मिलती है पंजाब एरिया के आसपास, वहाँ हमें पेंटेड ग्रे वेयर मिलते हैं अलॉन्ग विद लेट हड़प्पा पॉटरी, ठीक है ना, और यहाँ पर हमें जो मतलब जो हड़प्पा ख़त्म होने वाला होगा बिल्कुल, तो उस समय की पॉटरी भी मिलती है, और जब बिल्कुल ये शुरू हुआ था हमारा आर्यन कल्चर हमें उसकी भी पॉटरी मिलती है। द डेट असाइन टू द भगवान पूरा फाइन रेंजेस फ्रॉम 1600 टू 1000 BC के आपका टाइम बता रखा है, जब आपको ये सब चीज़ें ये लेट हड़प्पा पॉटरी और जो पेंटेड ग्रे फेयर पॉटरी है वो मिलती है, तो ये उसका टाइम है कि इस टाइम के बीच की होती है वो, विच ऑल्सो रफली कॉरस्पॉन्ड टू द पीरियड ऑफ द ऋग्वेद, और ये जो टाइम था ये किसके साथ चल रहा था, ये ऋग्वेद वाला टाइम चल रहा था, कि मतलब जो ऋग्वेदिक लोग हैं उनका भी टाइम चल रहा था, ये उसी के बीच में भी सब मिल रहा है। विच ऑल्सो जोग्राफिकल एरिया ऑफ द फोर साइड ऑल्सो कोइंसाइड्स विद डैट ऑफ द सब्सटेंशियल पोर्शन ऑफ एरिया रिप्रेजेंट बाय द ऋग्वेद, ऑल्दो पेंटेड ग्रे वेयर हैज़ बीन फाउंड एट ऑल दी साइड आयरन ऑब्जेक्ट सीरियल्स आर मिसिंग, तो यहाँ पर जब हमें पेंटेड ग्रे वेयर तो मिले हैं इस टाइम के, लेकिन अभी यहाँ पर हमें कोई भी आयरन ऑब्जेक्ट और सीरियल इस टाइम के बीच में नहीं मिला है। वी मे थिंक ऑफ द प्री आर्यन फेज ऑफ PGW विच कोइंसाइडेड विद द ऋग्वेदिक फेज एंड इंटरेस्टिंग फाइंड एट भगवानपुरा इज अ 13-room मड हाउस, और ये मान लो कि हमें यहाँ पर एक भगवानपुरा में ऐसा घर भी मिला है कि जिसमें कितने रूम है, 13-room मड हाउस है, मिट्टी का घर है वैसे तो वो, लेकिन उसमें 13 कमरे हैं, हुज डेटिंग हैज़ नॉट बिन कन्फर्म, लेकिन उसकी जो डेटिंग है कि वो किसके बीच में किस टाइम के बीच में बनाया गया था वो डेटिंग कोई कन्फर्म नहीं है। दिस इंडिकेट आदर अ हाउस फॉर अ लार्ज एक्सटेंडेड फैमिली, तो हो सकता है कि जो बड़ी बड़ी जो फैमिलीज थी उनके लिए वो घर बना हुआ हो, या फिर किसी ट्राइबल चीफ का वो घर हो, है ना, फिर जो ट्राइबल चीफ था वो भी उस समय काफ़ी इंपॉर्टेंट पोस्ट हुआ करती थी, तो इसलिए शायद हो सकता है कि वो इतना बड़ा घर वो उसका हो। कैटल्स की बोन्स वगैरह भी हमें मिलती हैं इन साइट पर, हमें काफ़ी सारी बोन्स मिलती हैं, जो हॉर्स की बोन है वो भी मिलती है हमें भगवानपुरा, और भगवानपुरा मैंने आपको बताया कहाँ पर है, ये हरियाणा में है। ओके, तो ये इतना था। अब पढ़ते हैं ट्राइबल चीफ के बारे में, तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो मशीनरी थी आर्यन की, उनको कंट्रोल कौन कर रहा है, वो चल कैसे काम कर रहे हैं, तो जो आर्यन थे ऋग्वैदिक पीरियड में उनका जितना भी जो फंक्शन था वो कंट्रोल कौन करता था, जो ट्राइबल चीफ होता था। यहाँ पर ट्राइबल चीफ को आप इसे ये मत समझना किसी बहुत बड़े राजा की तरह, नहीं, एक प्रॉपर लीडरशिप चलाता था बस वो वॉर वगैरह के टाइम पर, वॉर भी उस टाइम पर कमी होती थी, लेकिन हाँ हम कहते थे लीडरशिप पूरी अपनी, इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी कि अपनी जो पूरी जो क्लैन है उसके लिए वो एज अ लीडर वर्क करे, उसको बोलते थे राजन। इट सीम्स दैट ऋग्वैदिक पीपल द किंग्स पोस्ट हैड बिकम हेरिडेटरी, आगे आगे चल के क्या होता है, जो ऋग्वैदिक पीरियड में जो किंग की जो पोस्ट है क्या हो जाएगी, हेरिडेटरी हो जाती है, शुरुआत में नहीं थी लेकिन बाद में धीरे धीरे ये पोस्ट क्या होने लगती है, हेरिडेटरी होती है, ठीक है राजा है तो उसका बेटा ही आगे राजा बनेगा।
However, Rajan was a kind of chief and did not exercise unlimited power and have to reckon with the tribal organization. तो यहाँ पर शुरुआत में जो राजन था उसके हाथ में कोई बहुत ज़्यादा पावर नहीं होती थी, लिमिटेड पावर ही होती थी, क्योंकि पूरा एक ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन होता था, उसी के अकॉर्डिंग उस चीफ को रिएक्ट करना पड़ता था. वी हैव ट्रेसिस ऑफ द इलेक्शन ऑफ द किंग बाय द ट्राइबल असेंबली. यहाँ पर इलेक्शन भी होते थे किंग के लिए, ट्राइबल असेंबलीज होती थी, उसके अंदर किंग के अपॉइंट को करना है कि किस किंग को अपॉइंट करना है, उसके लिए इलेक्शन भी होते थे. और उन असेंबलीज़ को बोलते थे जिनके अंदर इलेक्शन होते थे, समिति. ठीक है, जो किंग था उसको कहा जाता था प्रोटेक्टर ऑफ हिज ट्राइब, कि मतलब अपनी जो ट्राइब है, अपनी जो ट्राइबल जो कम्युनिटी है उसको प्रोटेक्ट करेगा अगर वो राजा बन रहा है तो. साथ में जो कैटल्स हैं उनको भी प्रोटेक्ट करेगा, वॉर होती है वॉर लड़ेगा, और भगवान को जो प्रेयर्स वगैरह हैं वो वही फिर ऑफर करता था, क्योंकि उनके लिए वो इंपॉर्टेंट इंडिविजुअल हो जाता था. बहुत सारे जो ट्राइबल हैं उसमें असेंबलीज़ होती थी उस समय, सभा, समिति, विधाता, गणा, ये सारी ही तरह की जो असेंबलीज़ हैं इनका जिक्र मिलता है हमें ऋग्वेद में. वो बताते हैं कि उस समय ये अलग अलग तरह की जो असेंबलीज़ हैं वो होती थी. जैसे मैंने बताया समिति, समिति जो असेंबली है वो क्यों होती थी, फॉर द इलेक्शन ऑफ द किंग. दे एक्सरसाइज डेलिब्रेटिव मिलिट्री एंड द रिलीजियस फंक्शन. ये जो असेंबलीज़ हैं, सभा, समिति, विधाता, ये किसी का तो काम ये था कि राजा को कैसे चुनना है, कोई ये बताता था कि मिलिट्री जो हमारे फंक्शन है वो कैसे परफॉर्म करने हैं, वॉर के लिए हमें कैसे तैयारी करनी है, या फिर हमें रिलीजियस फंक्शन है वो कैसे हमें आगे लेके जाने हैं. एवरी वुमेन अटेंडेड द सभा एंड द विधाता इन द ऋग्वैदिक टाइम. जो वुमेन्स थी वो सिर्फ सभा को और जो विधाता है सिर्फ उसी को अटेंड कर सकती थी. सभा एंड समिति मैटर्ड अ ग्रेट डील इन द अर्ली वैदिक टाइम, सो मच सो दैट द चीफ और द किंग शोड एन ईगरनेस टू विन देयर सपोर्ट. तो जो सभा और समिति है उसमें जो कहते हैं जो सभा और जो विधाता है उसमें वो कौन पार्टिसिपेट कर सकती थी, वुमेन पार्टिसिपेट कर सकती थी. और जो सभा और समिति थी काफ़ी इंपॉर्टेंट असेंबलीज हुआ करती थी ये. ठीक है, और इसमें जो किंग है वो कोशिश करता था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वो क्या कर सके, अपने सपोर्ट में ले सके. इन द डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन किंग वॉज असिस्टेड बाय द फ्यू फंक्शनरीज. तो किंग को असिस्ट करने के लिए भी कुछ लोग वो रखता था अपने पास, और साथ में एक होता था पुरोहित. जो ये पुरोहित है ये प्रिस्ट होते थे. जो ये प्रिस्ट हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे मतलब उस समय. और दो इंपॉर्टेंट जो प्रिस्ट थे वो कौन थे ऋग्वैदिक टाइम में, एक तो वशिष्ठ और एक विश्वामित्र. हम सब ने नाम भी सुना हुआ है. जो वशिष्ठ थे वो काफ़ी कंजर्वेटिव सोच के थे, लेकिन जो विश्वामित्रा थे वो काफ़ी खुले विचारों वाले और काफ़ी लिबरल नेचर के इंसान थे. विश्वामित्रा ने ही कंपोज किया है गायत्री मंत्र को, तो ये तो बिल्कुल आपको इम्पॉर्टेंट है, याद ही रखना है कि गायत्री मंत्र को किसने कंपोज किया है. तो किसने किया है, विश्वामित्रा ने, टू वाइडन द आर्यन वर्ल्ड, आर्यन वर्ल्ड को और वाइडन करके दिखाने के लिए. रिसाइटेड द गायत्री वॉज एडमिटेड टू द आर्यन फोल्ड इवेंचुअली. हाउएवर दिस मंत्र वॉज मेड द मोनोपोली ऑफ द थ्री हायर वर्णा एंड प्रिंस डिड नॉट परमिट वुमन एंड शुद्ध टू रिसाइट. तो देखिए शुरुआत में जब ये जो मंत्र है, जब ये बना था विश्वामित्रा ने, जब ये मंत्र बनाया था गायत्री मंत्र, तो इसको सिर्फ सुनने का या जो बोलने का जो हक था वो सिर्फ जो हमारे तीन जो हायर वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्या, सिर्फ उन्हीं को हक था इस चीज़ का. वरना जो शूद्र थे उनको कोई हक नहीं था कि वो उसको सुने या बोले, और ना ही वुमेंस को कोई हक था, कोई राइट था कि वो इसको बोले या फिर सुने. जो वैदिक प्रिस्ट होते थे वो काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड, मतलब वैदिक जो प्रिस्ट है उनसे ही काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड होते थे ट्राइबल चीफ. जो उस समय जो ट्राइब को संभालते थे चीफ, वो इनके कहने पे कुछ करते थे, इनकी एडवाइस पे कुछ करते थे, तो वो करते थे जो वैदिक प्रिस्ट होते हैं उनके कहने पे. अलाउडेड दे एक्सप्लॉयट इन रिटर्न फॉर द हैंडसम रिवॉर्ड इन काउ एंड वुमेन स्लेव. और क्या होता था कि वो उनको गिफ्ट में या उनसे कोई गलती हो जाती थी तो दोनों ही केस में वो उनको ऑफरिंग्स उन मतलब दी जाती थी उन प्रिस्ट को, या तो काउ की फॉर्म में या फिर वुमेन स्लेव्स की फॉर्म में. नेक्स्ट इन द रैंक टू द किंग वॉज द सेनानी एंड द हेड ऑफ द आर्मी. तो जो सबसे जो ऊपर की रैंक थी वो उस समय ब्राह्मण्स को या कुछ हम कहीं प्रिस्ट को, दोनों ही एक थे, उनको मिली हुई थी. और उनके बाद जो नेक्स्ट जो पोजीशन आती थी उनके बाद वो होती थी किंग की. और किंग को बोलते थे सेनानी क्योंकि वो आर्मी का हेड होता था. वो स्पेयर, एक्सेस, जो ये तलवार वगैरह होती है ये सब यूज़ करता था क्योंकि उसको बैटल लड़नी पड़ती थी. वी डू नॉट लर्न एनी ऑफिसर कंसर्न विद द कलेक्शन ऑफ टैक्स. अभी तक यहाँ हमें नहीं कोई जिक्र नहीं मिलता इस टाइम तक कि किसी भी तरह का कोई ऑफिसर हुआ करता था जो टैक्स वगैरह कलेक्ट करता था. इन ऑल प्रोबेबिलिटी पीपल मेड वॉलंटियर ऑफरिंग्स कॉल्ड बाली टू द राजन. अभी तक बस यही है कि जो लोग थे वो वॉलंटरी ऑफरिंग्स करते थे, अपनी खुशी से वो जो राजा है उसको देते थे. किसी भी तरह का कोई रेगुलर टैक्स नहीं था, और इस टैक्स को यहाँ पर बोलते थे बली या फिर राजन. ठीक है, और सॉरी बली बोलते थे जो वो अपने राजा को देते थे. Present and the spoil of the war perhaps distributed in the some Vedic assemblies as is done in the kin based communities. राजा जो भी वॉर करता था और वहाँ से जो भी लूटपाट का माल मिलता था, बाद में आके वो जो सभाएं जो बनाई गई हैं उस सभा में आके वो अपने जो लोग हैं उसमें उस चीज़ को पूरा बांट दिया करता था.
ऋग्वेद डज नॉट मैंशन एनी ऑफिसर फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस. ऋग्वेद में हमें ऐसे भी किसी ऑफिसर के बारे में नहीं पता चलता जो मेनली उस समय जस्टिस के पोस्ट पर बैठा हो, कि उसका काम सिर्फ यही है कि वो जस्टिस को देखेगा, जस्टिस करेगा. आइडिया सोसाइटी बट वन इज विच वर देर कास्ट ऑफ केसेज ऑफ थेफ्ट एंड बर्गलरी पीपल स्टॉल काओ एंड स्पाइस आर एम्प्लॉयड टू कीप एन आई ऑन सच एन एंटी सोशल एक्टिविटीज़. तो देखिए, इस समय भी चोरियाँ वगैरह होती थी, कुछ केसेस आते थे ऐसे भी कि लोगों ने किसी की काय चुरा ली, काय के लिए काओ चुरा ली, ये सब कर लिया. लेकिन अलग से जो ट्राइबल वगैरह थे, जो चीफ थे, वो स्पाइस को, जासूस को रखते थे इन सब जो एंटी सोशल एक्टिविटीज़ हैं उन पर नज़र रखने के लिए. जो टाइटल होता था ऑफिसर्स का, डू नॉट इंडिकेट टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन. तो कोई अभी तक ये नहीं आया था कि इतना एरिया मेरा है, या उनको अभी मन में अंदर ये नहीं था कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा एरिया को ऑक्यूपाई करना है. दे इंजॉयड पोजिशन ऑफ अथॉरिटी इन द पेस्चर ग्राउंड एंड सेटल विलेजेस. तो वो खुश थे कि हाँ, जितना उनको ज़मीन चाहिए उनके जानवरों को चरने के लिए, उतनी ज़मीन है उनके पास और वो अपने विलेज में पूरी तरह से सेटल है. तो ऑफिसर्स हु इंजॉयड अथॉरिटी ओवर अ लार्ज स्ट्रेच ऑफ लैंड और पेस्चर ग्राउंड वॉज कॉल्ड द व्रजपति. और जो ऑफिसर्स ऐसा चाहते थे कि उनको एक बहुत ही बड़ा लैंड का पार्ट मिले और उनका जो पेस्चर ग्राउंड है वो भी बड़ा मिले, क्योंकि अब धीरे धीरे लोगों की क्या बढ़ती जाएगी, एक्सपेक्टेशन बढ़ती जाएंगी, उनकी नीड्स बढ़ती जाएंगी. तो अब इनको कहना जाने लगा व्रजपति, ठीक है, जो ज़्यादा एरिया को ऑक्यूपाई करके रखना चाहते थे या करते थे. द लेट टू द बैटल्स द हेड ऑफ द फैमिली कॉल्ड द कुलपास एंड हेड ऑफ द फाइटिंग हॉर्स कॉल्ड द ग्रामिणी. देखिए, जो फैमिली का जो हेड होता था, किसी भी परिवार का जो हेड होता था, उसको बोलते थे कुलाब बोलते थे, ठीक है ना, कुलाब. और जो फाइटिंग हॉर्ड का, कि मतलब कोई भी जो लड़ाई झगड़ा चल रहा है, तो उसको क्या बोलते थे, उसको ग्रामिनीज बोलते थे. इनिशियली द ग्रामीण वॉज जस्ट द हेड ऑफ द स्मॉल ट्राइबल किन बेस्ड फाइटिंग. क्योंकि शुरुआत में क्या होता था कि जो एक ग्रामीण जो शब्द है, ये एक जो स्मॉल जो ट्राइब है उसके हेड को दिया जाता था ये वर्ड. लेकिन आगे चल के ये वर्ड है, ये फाइटिंग हॉर्स के लिए फेमस हो गया. जो ग्राम जो शब्द है वो पहले गांव को, मतलब एक क्लैन है जो उसको दिया गया था ग्राम, और उस गांव को पूरा संभालने वाला उसको ग्रामिनी. बट इन द यूनिट सेटल द ग्रामिनी बिकम द हेड ऑफ द विलेज एंड इन द कोर्स ऑफ टाइम हिज पोजिशन बिकम द सेम एज दैट ऑफ द प्रजापति. और आगे चल के जो ये ग्राम की जो ग्रामिनी की जो ये पोजिशन है, ये आगे चल के बड़ी हाईएस्ट हो जाती है, मतलब एक अच्छी पोजिशन में कन्वर्ट हो जाती है. और ये बिल्कुल सेम ऐसी ही हो जाती है जैसे प्रजापति की थी, ठीक है. प्रजापति कौन, जो ज़्यादा से ज़्यादा लैंड को ऑक्यूपाई करके उस पर कंट्रोल करके रखता था. अभी तक यहाँ पर किसी भी तरह का ऐसा जिक्र हमें नहीं मिलता है ऋग्वेद के अंदर कि यहाँ पर इन लोगों के पास इनकी कोई स्टैंडिंग आर्मी भी होती थी. लेकिन क्या होता था, जब वॉर के टाइम पे ही क्या करते थे, तभी के तभी अपनी आर्मी बनाते थे, पहले से किसी आर्मी को तैयार नहीं रखते थे. इनके अपने जो ट्राइबल ग्रुप्स होते थे, व्रता, गना, ग्रमा, सरदार, ठीक है, छोटे छोटे ट्राइबल ग्रुप है, तभी ये इकट्ठा होते थे जब इनको कहीं फिर बैटल फील्ड पर जाना होता था. पहले से कोई तैयारी नहीं होती थी. बाय एंड लार्ज इट वॉज अ ट्राइबल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द मिलिट्री एलिमेंट वॉज स्ट्रॉन्ग एंड देयर वॉज नो सिविल सिस्टम. कोई सिविल सिस्टम नहीं था, कोई टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन अभी तक पावरफुल नहीं हुआ था. बिकॉज पीपल वन इन थ्रोस ऑफ पर्चुअल एक्सपेंशन एंड माइग्रेटेड फ्रॉम वन एरिया टू अनदर. क्योंकि जो लोग थे वो भी अपने इंटरेस्टेड नहीं थे एक जगह पर रुकने के लिए, वो भी उनका जो मूवमेंट है वो एक जगह से दूसरी जगह होता रहता था. तो इसीलिए अभी उनको ऐसी किसी वेल सेटलमेंट की, उसको बचाने की, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, इसलिए उनको अभी किसी आर्मी की जरूरत थी भी नहीं. अब बात करते हैं ट्राइब और उनकी फैमिली की. तो अगर हम बात करें सोशल स्ट्रक्चर उस समय कैसा था, तो मैन वॉज आइडेंटिफाइड बाय द क्लैन टू विच ही बिलोंग. किसी भी इंसान को उसके क्लैन के नाम से उनको पहचान मिलती थी. कैन बी सीन इन द नेम ऑफ द सेवरल ऋग्वेदिक किंग द पीपल प्राइमरी लॉयल्टी वॉज टू द ट्राइब. और हर इंसान की जिम्मेदारी होती थी कि वो अपनी ट्राइब के लिए और मतलब वो लॉयल रहे. विच वॉज कॉल्ड जन, ठीक है, जो वहाँ पर जो रहने वाले जो लोग थे उस ट्राइब के, उनको बोलते थे जन. इन वन ऑफ द अर्ली वर्सेस कम्बाइंड स्ट्रेंथ ऑफ द वॉरियर ऑफ द टू ट्राइब्स नोन एज द 21. तो कम से कम इतने जो किसी भी जो क्लैन होता था उसमें कम से कम इतने जो लोग थे, जो वॉरियर्स वगैरह थे, वो होते थे. दिस इंडिकेट दैट द टोटल नंबर ऑफ मेंबर इन अ ट्राइब मे नॉट हैव एक्सीड 100. तो किसी भी ट्राइब में उस समय ज़्यादा 100 जो लोग थे उससे ज़्यादा नहीं होते थे. जो टर्म है जन अकर एट अबाउट 275 प्लेसेस इन द ऋग्वेद. जब आप ऋग्वेद को पढ़ोगे तो उसमें आपको जो शब्द है जन, ये कम से कम 275 बार आपको लिखा हुआ मिला दिखाई देगा. और जो टर्म है जनपद और टेरिटरी इज नॉट यूज्ड इवन वंस. और यहाँ तक कि जो जनपद और जो शब्द है वो आपको एक बार भी लिखा हुआ नहीं मिलेगा, या मिलेगा तो मतलब मिलता ही नहीं है आपको लिखा हुआ. द पीपल वर अटैच टू द ट्राइब एज नाइदर कंट्रोल ओवर टेरिटरी नॉर द किंगडम वॉज येट इस्टेब्लिश. तो यहाँ पर जो अभी लोग थे, वैसे मैंने आपको बताया शुरुआत में, जो लोग थे वो इस तरह अपने ट्राइब से अटैच होते थे कि उनके ऊपर कोई बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं होता था कि आपको बिल्कुल ऐसे ही करना है, रूल्स रेगुलेशन इतने ज़्यादा कोई टाइट नहीं थे.
ठीक ठाक था, मतलब अभी इतना ज़्यादा कुछ लोगों के मन में जो लालच था वो नहीं आया था एरिया को लेके, या उनको कोई पूरा महल कोई खड़ा कर देना है या अपना कोई किंगडम बसा लेना है, ऐसा कुछ नहीं था अभी। अनदर इम्पॉर्टेंट टर्म विच स्टैंड फॉर ट्राइब इन द ऋग्वेदिक इज विश। एक और इम्पॉर्टेंट टर्म आती है ट्राइब के लिए ऋग्वेद में, जिसे बोलते हैं विश, ठीक है, विच मैंशन 170 टाइम। और जो ये विश जो टर्म है ये हमें 170 बार लिखी हुई मिलती है। आगे चल के जो विश है आप देखोगे इसको डिवाइड किया गया है ग्राम, ग्राम मतलब एक स्मॉलर ट्राइबल यूनिट जिसको तैयार रखा जाता था फाइट के लिए। वैन द ग्राम क्लैश विद वन अनदर रिजल्टेड इन द सम ग्राम। और जब ये जो ग्राम है ठीक है ना, ये जब आपस में लड़ती थी इसको बोलते थे संग्राम, ठीक है ना, कि मतलब आपस में ही लड़ रहे हैं, तो इस वॉर को बोला जाता था। द मोस्ट न्यूमरस वन ऑफ वैश्यास अराउज आउट ऑफ द विश और द मास ऑफ द ट्राइबल पीपल। जो सबसे ज़्यादा जो वर्ण में जो वैश्यास में जो लड़ाई झगड़े होते थे वो जो ये विश है ठीक है ना, जो ट्राइब है यहीं से ये जो निकलता है जो वैश्यास है। द टर्म फॉर फैमिली कुल इज रेयरली मेंशन इन द ऋग्वेद। तो जो ये टर्म जो कुल जो शब्द है हम सबको पता है जो परिवार है उसको कुल बोलते हैं, तो ये भी हम बहुत कम मिलता है ऋग्वेद में देखने के लिए, लेकिन हाँ है। इसमें ना केवल मदर फादर सन्स बल्कि स्लेव को भी कंक्लूड किया जाता था, और दूसरे जो और लोग थे उसको भी, मतलब इनकी फैमिली में जो कुल है उसको, ये नहीं था कि सिर्फ जो उनके माता पिता और बच्चे नहीं। इट सीम्स दैट फैमिली इन द अर्ली वैदिक फेज वॉज डिनोटेड बाय द टर्म ग्रह। और जो फैमिली है उसको ग्रह के नाम से भी बुलाया जाता था पुराने टाइम में, विच फ्रिक्वेंटली अकर्ड इन द टेक्स्ट, जैसे कि हमें टेक्स्ट से पता चलता है। इन द अर्लीस्ट इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस अ सिंगल वर्ड इज़ यूज टू डिनोट नेफ्यू ग्रैंड सन कजन एसेट्रा, एंड दिस वुड इम्प्लाइड इन डिफरेंशिएशन इन अ फैमिली रिलेशनशिप लीडिंग टू द सेटिंग ऑफ द सेपरेट हाउस होल्ड नॉट दस फार अकर्ड एंड द फैमिली वॉज अ वेरी लार्ज यूनिट। तो मतलब ये मान लो कि उस समय जो फैमिलीज होती थी ना वो बहुत बड़ी बड़ी फैमिलीज होती थी। इट वॉज ऑब्वियसली अ पेट्रियार्कल फैमिली हेडेड बाय द फादर। और किसी भी फैमिली को जो चलाने वाले जो मेन पावर होती थी जो उसके हेड होते थे वो होते थे फादर। उस समय वही था जो मेल डोमिनेंस सोसाइटी हुआ करती थी, जैसे कि रोमन सोसाइटी थी। जो कि हड़प्पा में देखेंगे तो हड़प्पा में कुछ और हुआ करता था, वहाँ पर उस समय मेल डोमिनेंट नहीं था। इट सीम्स डैट सेवरल जनरेशन ऑफ द फैमिली लिव्ड अंडर द सेम रूफ, कि मतलब ये उस समय फैमिली रहती होती थी, बहुत बड़े बड़े परिवार होते थे, और यहाँ तक कि वो उनकी काफ़ी सारी जनरेशन होती थी वो उस एक छत के नीचे ही रहती थी। इन द रिक वे नो डिज़ायर इज एक्सप्रेस्ड फॉर द डॉटर थ्रू द डिज़ायर फॉर चिल्ड्रन कैटल द रिकरेंट थीम इन द हिम्स। तो यहाँ पर दिखाया ऋग्वेद में कोई ऐसी कोई इच्छा नहीं दिखाई है कि हमें डॉटर्स हो, बल्कि वो ज़्यादातर ऐसा बोलते थे कि मतलब हमें बच्चे चाहिए, और बच्चों में भी खासकर बेटी के लिए वो ज़्यादा प्रे करते थे कि उनको बेटा मिल जाए, या फिर उनको कैटल चाहिए होती थी ठीक है, और उसी के लिए वो भजन कीर्तन वगैरह वो सब करते थे। वुमेन कुड अटेंड असेंबलीज ऑफर सेक्रीफाइस अलॉन्ग विद देयर हस्बैंड। जो वुमेंस थी वो असेंबली में पार्टिसिपेट कर सकती थी, साथ में कुछ सेक्रीफाइस वगैरह भी ऑफर कर सकती थी, लेकिन अगर उनके हस्बैंड की परमिशन है, उनके हस्बैंड उनके साथ में है। वी हैव इंस्टेंस ऑफ 5 वुमेन हु कम्पोज हिम्स। तो यहाँ पर आपको 5 वुमेन हैं वो देखने के लिए मिलेंगी जो हिम्स वगैरह को कम्पोज करती थी ठीक है। लेटर टेक्स्ट 20 such women। शुरुआत में तो 5 थे, फिर धीरे धीरे 20 हो गई। तो पहले जो ये हिम्स थे इनको ऑरली कंपोज किया गया है, इनको कहीं लिखा नहीं गया है। जो ऋग्वेद में जितनी भी जो चीज़ें बताई गई हैं वो लिखी नहीं गई हैं, बल्कि ऑरली होती थी। कुछ भी उस समय का लिखा हुआ नहीं होता था। उस समय जो नॉलेज थी उसको प्रैक्टिकल नॉलेज बिलीव करते थे कि आपको मुँह ज़ुबानी याद रहे, ना कि आपको कहीं पर लिखनी पड़े। द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज वॉज इस्टेब्लिश। तो शादी वगैरह के भी उस समय जो लोग थे नॉलेज रखते थे। सिंबल ऑफ प्रिमिटिव प्रैक्टिस सर्वाइव वी हियर ऑफ द प्रपोजल मेड बाय यामी द ट्विन सिस्टर ऑफ यमा टू इस्टेब्लिश लव रिलेशन, बट द ऑफर इज रिजेक्टेड बाय द यमा। वी हैव सम इंडिकेशन ऑफ पोलेंड्री। तो मतलब कुछ हमें जो यमा जो यमी है उनकी कुछ स्टोरीज वगैरह मिली हैं, जो यम की जो सिस्टर थी उनकी कुछ लव रिलेशन के बारे में कुछ स्टोरी पता चलती हैं। यहाँ पर अब पॉलीएंड्री के मतलब एक ही आदमी काफ़ी सारी शादी कर रहा है उसके भी कुछ इंडिकेशन मिलते हैं। मरुत आर स्टेटेड टू हैव इंजॉय रोदसी एंड द 2 अश्विन सिस्टर रिप्रेजेंटेड एज लिविंग विद द सूर्य। तो जो हमें अलग अलग यहाँ पर जो देवता हैं उनमें पता चलता है कि उनकी काफ़ी सारी वाइफ्स होती थी, तो कहीं ना कहीं ये प्रचलन था कि एक आदमी कई औरतों से शादी कर सकता है ठीक है। तो यहाँ पर बट सच इंस्टेंस आर फ्रीक्वेंट, पॉसिबली दे इंडिकेट मेट्रीनीलियन ट्रेसेस एंड वी हैव अ फ्यू एग्जाम्पल ऑफ सन बींग नेम्ड आफ्टर देयर मदर इन द केस ऑफ मामात्या। और यहाँ पर जो बेटे का जो नाम था वो ज़्यादातर फादर के नाम के ऊपर ही रखा जाता था। बहुत ही ऐसे कम एग्जाम्पल मिले हैं कि जहाँ पर बेटे का नाम उसकी माँ के नाम पर रखा गया हो ठीक है, एज इन द केस ऑफ मामात्या। अगर हम मामात्या के नाम की बात करें तो इसको छोड़ के हमें बाकी और कोई ऐसे नहीं मिलते हैं ज़्यादा, क्योंकि अब यहाँ पर आपको दिखाई देगी मेल डोमिनेंस के मेल जो मेल डोमिनेंस है वो आपको ज़्यादा दिखाई देगी, चाहे फैमिली में है चाहे शादी में है, कि एक आदमी काफ़ी सारी शादी कर सकता है,
उसके नाम पर ही उसके परिवार का नाम चलेगा, तो अभी ये चीज़ें शुरू हो जाती हैं। वी ऑल्सो नोटिस प्रैक्टिस ऑफ लिवरेट एंड द विडो री मैरिज इन द ऋग्वेदिक। तो यहाँ पर देखिए, अभी जो बिल्कुल स्टार्टिंग वाला जो टाइम होता है ऋग्वेदिक काल का, उस समय औरतों को दोबारा शादी करने का भी हक होता था। अभी यहाँ पर हमें कोई भी चाइल्ड मैरिज के बारे में नहीं कोई भी एविडेंस मिलते, बिल्कुल जब स्टार्टिंग वाला टाइम था। तो यहाँ पर विडो री मैरिज भी हो सकती थी, और छोटे वो जो चाइल्ड मैरिज छोटे बच्चों की, उसका कोई ऐसे शादी वादी नहीं होती थी। जो एक शादी की जो एज थी उसको फिक्स किया हुआ था ऋग्वेद में, वो था 16 से 17। ठीक है, ये हम बात कर रहे हैं बिल्कुल हमारे अर्ली ऋग्वेदिक टाइम की। लेटर वाले में बहुत सारी चीज़ें बदलाव होती है, काफ़ी हद तक चीज़ें उसमें बिगड़ चुकी होती हैं। अब देखते हैं सोशल डिफ्रेंसीशन। जो ऋग्वेद के जो लोग थे, सम कॉन्शियसनेस ऑफ द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ पीपल इन नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया इन 1500 1000 BC, वर्णा वॉज द टर्म यूज फॉर कलर। तो शुरुआत में जो ये वर्ण जो नाम था, जो वर्ण जो ये शब्द था, ये यूज़ होता था कलर के लिए। इंडो आर्यन जो लोग थे वो काफ़ी ज़्यादा गोरे होते थे, और जो इंडिजीनियस इनहेबिटेंट थे, यहाँ पर जो शुरुआत में जो रहने वाले जो लोग थे, जो यहीं के जो लोग थे, उनका कॉम्प्लेक्शन डार्क होता था, उनका कलर इतना फेयर नहीं होता था। तो कलर में है प्रोवाइडेड द आइडेंटिफायर फॉर द सोशल ऑर्डर। तो ये उनके लिए क्या बन गया, एक सोशल ऑर्डर बन गया, कि मतलब जो गोरे हैं वो आर्यन हैं उनको ऐसे बोला जाता था, और जो यहाँ के रहने वाले जो लोग हैं उनको डार्क कॉम्प्लेक्शन के साथ बुलाया जाता था। बट इट्स इंपॉर्टेंट हैज़ बीन एग्जिग्रेटेड बाय द राइटर विद एन एक्सेसिव बिलीफ इन द रेशियल डिस्टिंक्शन। तो कहीं ना कहीं इस तरह से क्या हो जाता है, एक रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है वो लोगों के बीच में देखना शुरू हो जाता है। द फैक्टर डेट कॉन्ट्रीब्यूटेड मोस्ट ऑफ द क्रिएशन ऑफ द सोशल डिवीजन वॉज ऑन द कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिजीनियस इनहेबिटेंट बाय द इंडो आर्यन। तो कहीं ना कहीं जो ये सोशल डिवीजन हमें देखने के लिए मिलेगा वर्णों में, ये इसीलिए हुआ क्योंकि कुछ लोग बाहर से थे जो आर्यन थे, और कुछ लोग यहीं के थे। कितना भी मिलने की कोशिश करी उन्होंने, लेकिन वो उतना भी नहीं मिल पाए क्योंकि उनके फीचर्स, उनका कलर बहुत अलग था। तो कहीं ना कहीं जो आर्यन थे वो अपने आप को इसलिए खुद को सुप्रीम समझते थे कि तुम्हें तो कुछ भी नहीं आता, हमें तो बहुत कुछ आता है। द दासाज एंड द दासियूज हु वर कॉन्क्वायर्ड बाय द आर्यन बट ट्रीटेड एज स्लेव। जो यहाँ पर जो रहने वाले जो लोग थे, जो मैंने आपको बताया था, यहाँ पर रहने वाले जो लोग थे उनको या दासाज बोलते थे या दासियूज बोलते थे। तो जो आर्यन थे, आते ही इनके साथ इनका हो जाता है झगड़ा, और यहाँ पर जो आर्यन है वो इनको हरा देते हैं, और फिर बाद में इनको ट्रीट करते हैं वो स्लेव की तरह, और इनको बोलते हैं वो शूद्र। तब मिलता है इनको शूद्र नाम, जो हमारे चार वर्णों में सबसे नीचे वाला, जिसको वर्ण बताया जाता है शूद्र। तो शूद्र कोई और नहीं बल्कि जो यहाँ के जो ओरिजिनल जो इनहेबिटेंट थे, यहाँ के रहने वाले लोग, वही थे जिनको आर्यंस बाद में आकर उनको हरा कर शूद्र वाली पोजीशन में, जो उनका वर्ण सिस्टम है उसमें डाल देते हैं। जो ऋग्वेद है उसमें एक टर्म है आर्य जो वर्ण है वो, और दूसरा जो वर्ण है वो दास। शुरुआत में ऋग्वेद हमें दो वर्ण के बारे में बताता है, एक आर्य और एक दास। जो ट्राइबल चीफ थे और जो प्रिस्ट थे एक्वायर्ड अ लार्जर शेयर ऑफ द बुटी एंड द नेचुरल बिकम वेल्दी एज द कोस्ट ऑफ देयर किन्सिटमैन एंड क्रिएटिंग अ सोशल इनक्वालिटीज इन द ट्राइब। तो देखिए, जो प्रिस्ट वगैरह हैं, सारी जो बैटल्स थे वो कौन करते थे, जो राजा वगैरह हैं, लेकिन जो एक बहुत ही बड़ा जो पार्ट जो मिलता था वो बैठे बिठाए प्रिस्ट वगैरह को मिल जाता था। तो यहाँ पर भी एक सोशल इनक्वालिटी देखी जाती थी ट्राइब में। ग्रेजुअली द ट्राइबल सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इंटू थ्री ऑक्यूपेशनल ग्रुप, वॉरियर, प्रिस्ट एंड द कॉमन पीपल, ऑन द सेम पैटर्न एज इन द ईरान। जब आप लेटर देखेंगे थोड़े टाइम बाद, जो ट्राइबल सोसाइटी थी अभी तो दो पार्ट में डिवाइड थी वो, लेकिन अब धीरे धीरे वो तीन पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। एक तो होते थे ऑक्यूपेशनल ग्रुप, एक वॉरियर और प्रिस्ट, मतलब और कॉमन पीपल। एक तो वॉरियर जो लड़ने जाते थे, प्रिस्ट हमने बता दिया जो पूजा पाठ में जिनका ध्यान है, पुजारी वगैरह, और तीसरे कॉमन पीपल। और सेम यही सिस्टम हमें मिलता है ईरान में देखने के लिए, वहाँ पर भी जो ट्राइबल सोसाइटी है वो ऐसे ही डिवाइड होती हैं। जो फोर्थ डिवीजन है उसको बोला गया शूद्र, जो हमारा अपीयर्ड हुआ इन द एंड ऑफ द ऋग्वेदिक पीरियड। शुरुआत में नहीं था ये, जब ऋग्वेदिक काल का जो आखिरी समय होता है उसमें फोर्थ डिवीजन आता है, और ये फोर्थ डिवीजन होता है शूद्र। मैंने आपको बता दिया शूद्र में बेसिकली कौन होते थे, जो यहीं के जो रहने वाले, जो भारत में यहाँ पहले से जो लोग रह रहे थे, ओरिजिनल इनहेबिटेंट थे, जो उन्हीं को शूद्र बना के यहाँ पर इस कैटेगरी में डाल दिया। फॉर द फर्स्ट टाइम इन द ऋग्वेद इन इट्स 10th book, विच इज़ द लेटेस्ट एडिशन। अगर आपसे कोई पूछता है जो शूद्र जो शब्द है वो पहली बार उसका जिक्र ऋग्वेद में कब होता है, तो वो होता है उसके 10th मंडल में, जो उसका लेटेस्ट एडिशन था। मैंने आपको बताया था पुराने एडिशन कौन से थे, 2nd से लेके 7th तक पुराने एडिशन थे, और फर्स्ट और जो उसका 10th एडिशन होता है वो उसका लेटेस्ट एडिशन होता है। तो इस 10th जो एविडेंस है, जिसे हम पुरुष सुक्ता भी बोलते हैं, इसी में हमें शूद्र के बारे में पहली बार जिक्र मिलता है ऋग्वेदिक जो हमारा टेक्स्ट है वो। We repeatedly hear of the slaves who were given as a chief to the priest। जो स्लेव्स होते थे उनको गिफ्ट के तौर पे दे दिया जाता था प्रिस्ट को, पुजारियों को, ठीक है जाके आप उनकी सेवा करो। जो औरतें हैं उनको एम्प्लॉय किया जाता था केवल के तुम्हें सिर्फ घर का काम करना है। तो ऋग्वेदिक टाइम में स्लेव्स वर नॉट यूज डायरेक्टली इन एग्रीकल्चर और अदर प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़। तो मतलब ऋग्वेदिक टाइम में जो स्लेव था उनको इतना भी हक नहीं था कि वो डायरेक्टली किसी एग्रीकल्चर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर सके, या किसी जो प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ होती है उसमें पार्टिसिपेट कर सके।
आगे चल के जो ऋग्वेद है उसमें जो ये डिफ्रेंसिएशन था ये और ज़्यादा होने लगा है ना। अभी तक तो ठीक है, थोड़ा बहुत चल रहा था, लेकिन अब बहुत ज़्यादा आपको इसमें एक्सट्रीम लेवल पे ये जाएगा। वी हियर ऑफ अ फैमिली इन विच अ मेम्बर सेज, एक फैमिली के बारे में इसमें बताया गया है कि एक फैमिली थी पहले जिसमें आई एम अ पोइट, माई फादर इज़ अ फिजिशियन एंड माई मदर इज़ अ ग्राइंडर एंड अर्निंग अ लिवलीहुड थ्रू डिफरेंट मीन्स वी लिव टुगेदर एंड वी हियर ऑफ अ गिफ्ट ऑफ कैटल, चैरियट, हॉर्सेस, स्लेव्स एक्सेट्रा। कि मतलब मैं पोइट हूँ, मेरे फादर फिजिशियन है, मेरी मदर जो मतलब जो घर में काम करती है वो है। अब आप खुद देखिए, यहाँ पर आपको एक ही फैमिली के अंदर यहाँ पर आपको तीन अलग अलग वर्ण के लोग दिख जाएंगे। कि एक पोइट है तो मतलब ये कहाँ से चला गया, ये कहीं ना कहीं जो प्रिस्ट है वहाँ चला गया। उसके फादर है वो फिजिशियन है, तो कहीं ना कहीं वो काम कर रहे हैं किसकी तरह, जो वैश्यासन की तरह। और जो मदर है वो शूद्र की तरह। जो उनकी लिवलीहुड है वो सब तीनों वर्णों में जाके वो अपना लिवलीहुड इस तरह चला रहे हैं। तो कि एक ही फैमिली में आपको तीनों दिखाई दे रहे हैं। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्पॉइल ऑफ वॉर क्रिएटिव सोशल इनइक्वालिटीज़। यहाँ पर दूसरा एक चीज़ बताई हुई है कि जब वॉर वगैरह होती थी पार्टिसिपेट तो सब कर रहे हैं, सब अपनी जान पे खेल के जा रहे हैं, लेकिन उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता था उसमें बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटीज़ होती थी। जो प्रेस्ट है उनको सबसे ज़्यादा उस चीज़ का पार्ट मिलता था, उसके बाद फिर जो किंग वगैरह है उनको मिलता था, फिर लास्ट में जाके वो जो कॉमन पीपल है उन तक पहुँचता था कुछ। तो भाई वॉर तो सबने बराबर पार्टिसिपेट किया है, लेकिन इस वजह से भी कि जो अमीर है वो और अमीर होता जा रहा है, जो गरीब है वो और अमीर होता जा रहा है, तो ये चीज़ होने लगी। जो इकनॉमी है वो मेनली उस समय या तो जो पेस्ट्रॉल होती थी, नॉट फूड प्रोड्यूसिंग, द स्कोप फॉर कलेक्टिंग रेगुलर ट्रिब्यूट फॉर द पीपल वर वेरी लिमिटेड। तो यहाँ पर जो लोग थे अभी तक सिर्फ अपनी ही इच्छा से जो वॉलंटरी टैक्स वगैरह थे, जो गिफ्ट से वो देते थे, अभी यहाँ पर कोई रेगुलर टैक्स लेना शुरू नहीं हुआ था। तो जो उस समय की जो इकनॉमी भी थी वो बेसिकली या तो पेस्ट्रॉल हुआ करती थी, वो जो चरवाहे वगैरह चलाते हैं, और उसी के बेसिस पे जो वो लोग थे कोई इतना ज़्यादा भी फूड भी प्रोड्यूस नहीं करते थे कि बहुत ज़्यादा किसी मात्रा में कर रहे हैं। फिर जैसे कि मैंने आपको बताया अभी उनके अंदर कोई इस तरह का लालच नहीं था कि हम बहुत सारी हमें ज़मीन वगैरह को कैप्चर कर लेना है और फिर उस पर हम बहुत सारा एग्रीकल्चर वगैरह करेंगे, ऐसा कुछ नहीं था। तो अभी कोई भी एक फिक्स जो रेगुलर टैक्स है उसको इस्टेब्लिश नहीं किया गया था। वी डो नॉट फाइंड गिफ्ट ऑफ लैंड एंड इवन गिफ्ट ऑफ सीरियल आर रेयर। कोई ज़मीन जो है वो अभी गिफ्ट में नहीं दी जाती थी, बल्कि जो बस राजा कहीं से लूट करके जो लाया वो दिया जाता था गिफ्ट में, या फिर जो काओ वगैरह होती है वो दी जाती थी, लैंड नहीं दी जाती थी। और किसी भी तरह का अभी यहाँ पर जो सीरियस वगैरह होती थी वो भी गिफ्ट में बहुत ही कम चलती थी, क्योंकि इतना एग्रीकल्चर करते ही नहीं थे वो लोग कि उसको बांटे भी। वी फाइंड डोमेस्टिक स्लेव बट नॉट वेज अर्नर्स। द ट्राइबल एलिमेंट इन सोसाइटी वर स्ट्रॉगर एंड सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन द कलेक्शन ऑफ टैक्सेस और एक्यूमुलेशन ऑफ लैंड प्रॉपर्टी डिड नॉट एक्सिस्ट। जो ट्राइबल एलिमेंट्स थे वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉगर थे सोसाइटी के अंदर, सोशल डिवीजन जो होता था वो टैक्स के कलेक्शन ऑफ टैक्स और द एक्यूमुलेशन ऑफ लैंड प्रॉपर्टी डिज नॉट एक्जिस्ट। तो अभी ऐसा कुछ नहीं था सोशल डिवीजन के जो ज़्यादा टैक्स देगा वो एक वो अच्छे उसमें रखा जाएगा, मतलब वो सिस्टम में रखा जाएगा, जो ज़मीन जिसके पास ज़्यादा होगी उसको अच्छा सोशल डिवीजन मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं था अभी भी। ठीक है, सोसाइटी पूरी तरह से अभी ट्राइबल थी और अभी तक तो कुछ भी यहाँ पर फिक्स नहीं था। अब बात करते हैं ऋग वैदिक गॉड की। तो एवरी पीपल डिस्कवर द रिलीजन इन देयर सराउंडिंग। द आर्यन फाउंड इट डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन द कमिंग ऑफ द रेन, द अपीयरेंस ऑफ द सन एंड द मून एंड द एग्जिस्टेंस ऑफ द रिवर, माउंटेन एंड द लाइक। तो अभी तक जो आर्यन जो लोग थे उनको एक साइंटिफिक जो रीज़न होता है इन सब चीज़ों के पीछे का नहीं पता था, कि बारिश क्यों होती है, कहाँ से आ रही है, सन कैसे उग रहा है, मून कैसे आ रहा है, जो रिवर है उसका एग्जिस्टेंस क्या है, माउंटेन का एग्जिस्टेंस क्या है, जो बाकी और जो इस तरह की चीज़ें थी उनको अभी इस चीज़ के बारे में एक साइंटिफिक नॉलेज नहीं थी। ये मानते थे कि कोई नेचुरल फोर्सेस हैं इन सब को जो पर्सोनिफाइड करने के लिए, एंड लुक्ड अपॉन देम एज अ लिविंग बींग टू वोम द एट्रीब्यूटेड ह्यूमन एंड द एनिमल ट्रिब्यूट, है ना। वो हमसे तभी खुश होंगे अगर हम उनके लिए मतलब अच्छा करेंगे या उनको एनिमल एट्रीब्यूट मतलब एनिमल की जो बलि वगैरह वो चढ़ाएंगे, है ना। वी हैव अ लार्ज नंबर ऑफ सच डिविनिटीज इन द ऋग्वेद विच इज रिप्लेट विद द हिम्स एंड कंपोज इन आदर ऑफ ऑनर ऑफ बाय द पोइट्स ऑफ द सेंट्री फैमिलीज। तो ये लोग क्या करते थे ऋग्वेद में हमें क्या मिलता है कि इन्हीं चीज़ों के ऊपर बहुत सारे जो भजन कीर्तन है वो सब या जो जाप है हिम्स मतलब जो जाप होते थे वो लिखे गए हैं इन्हीं देवी देवताओं के ऊपर, और ये सोच के उनको जपा जाता था कि ये जो नेचर है मतलब जिन समय मिल रही हैं ये सब चीज़ें वो खुश रहे इनको सुन के। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो उस समय के जो देवता थे ऋग्वैदिक काल में वो थे इंद्र देवता, जिनको मैंने बताया पुरिंदर भी बोलते थे, और इनको डिस्ट्रॉयर कहा जाता था कि अगर इनको गुस्सा आ गया ना तो ये सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो सबसे पहले तो इनको खुश रखना बहुत ज़रूरी है, इनको वॉर लॉर्ड कहा जाता था। लीडिंग द आर्यन सोल्जर टू विक्ट्री अगेंस्ट द डेमोन एंड हैज़ 250 हिम्स डिवोटेड टू हिम। तो कम से कम 250 जाप हैं जो इंद्र देवता को इन्होंने अर्पण किए हुए हैं। ही इज़ कंसिडर्ड टू बी द रेन गॉड एंड दोज फुल टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग रेनफॉल। इनको
जो बारिश का देवता भी कहा जाता था, कि वर्षा भी अगर कराएंगे ना तो इंद्र देवता ही कराएंगे, तो इसलिए उनको खुश करना बहुत ज़रूरी है। द सेकेंड पोजिशन इज़ हेल्ड बाय द अग्नि। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो कौन से हो गए? इंद्र देवता हो गए, दूसरी हैं अग्नि देवता। इनके बारे में आपको 200 जो हिम्स हैं वो मिल जाएंगे जो इनको डिवोट किए हुए हैं। फायर प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन द लाइफ ऑफ द प्रिमिटिव पीपल बिकॉज ऑफ इट्स यूज इन द बर्निंग फॉरेस्ट, कुकिंग एंड द लाइक। तो जो फायर थी वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी उस समय जो पुराने लोग थे उनके लिए, क्योंकि फॉरेस्ट को वो लोग जला के वहाँ पर जगह खाली करते थे जिससे कि वो वहाँ पर कुकिंग कर सकें, एग्रीकल्चर कर सकें। कुकिंग में भी उनको फायर की बहुत ज़रूरत पड़ती थी। द कल्ट ऑफ फायर ऑक्यूपाइड एज अ सेंट्रल प्लेस नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल्सो इन ईरान। तो जो फायर का जो प्लेस है जो उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट थी, वो केवल यहाँ इंडिया में ही नहीं बल्कि ईरान में भी वो लोग काफ़ी मानते थे जो अग्नि देवता है उनको। इन वैदिक टाइम अग्नि एक्टेड एज अ काइंड ऑफ द इंटरमीडियरी बिटवीन द गॉड एंड द वन एंड द हैंड द पीपल ऑन द अदर। तो जो अग्नि है उसको माना जाता था कि ये इंटरमीडियरी है जो हमारा भगवान से और जो मनुष्य है उन दोनों के बीच में ना एक कम्युनिकेशन करा सकती है। इसलिए तो हम कोई भी पूजा पाठ होती है, किसी से कोई हवन होता है, हमेशा अग्निकुंड ज़रूर होता है। तो उसको माना जाता है कि यही जो हमारी बात है वो जो भगवान है उन तक पहुँचाएंगे और उनकी बातें हम तक पहुँचाएंगे। तो ये एक मीडिएटर है ये कहो। द ओब्लेशन ऑफर टू अग्नि पर सपोज टू कैरी इन द फॉर्म ऑफ द स्मोक टू द स्काई एंड द ट्रांसमिटेड टू द गॉड। तो वैसे कहा जाता था कि उस अग्नि में से जो धुआं निकलता है वो आसमान में जाता है और वही हमारा जो मैसेज है वो भगवान तक पहुँचाता है। थर्ड इंपॉर्टेंट जो पोजीशन मिलती है वो मिलती है वरुण देवता को। इनको पानी का जो देवता है वो माना जाता था और ऐसा कहा जाता था कि यही है कि जो हमें बाकी जो नेचुरल ऑर्डर्स वगैरह हैं उनसे बचाएंगे। तो इस तरह से जो अलग अलग चीज़ों के अलग अलग देवता बना रखे थे। जो सोम है वो कंसिडर टू द गॉड ऑफ प्लांट। तो उसको गॉड ऑफ प्लांट बनाया बताया गया है जो सोम देवता है उनको, ठीक है। एंड इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक इज नेम्ड आफ्टर हिम। तो जो सोम प्लांट है, ठीक है, प्लांट भी होता था ये, इससे ड्रिंक बनाकर पी जाती थी। इन द ऋग वैदिक बहुत सारे, अब यहाँ पर जो लोग हैं ऋग्वेद में बताया हुआ है कि कुछ ड्रिंक्स वगैरह प्रिपेयर की जाती थी इस प्लांट से और उसको मतलब कि हो सकता है कि शायद ये जो ये बता रखा है जो सोम प्लांट है ये शायद जो ड्रिंक वगैरह उस समय यूज़ की जाती थी वो शायद इसी प्लांट से बनती हो। जो मारुत हैं उनको बताया गया है स्टॉर्म का देवता, जो तूफान आंधी तूफान होते हैं। तो इनके ऊपर भी बहुत सारे कुछ हिम्स वगैरह हैं जो लिखे गए हैं। कुछ जो सरस्वती हैं उनके ऊपर भी, जो सरस्वती जो गॉडेस हैं, मदर गॉडेस जो बताई गई हैं उनके ऊपर भी कुछ आपको मिल जाएंगे। और भी दूसरी जो नेचुरल फोर्सेस हैं उनके ऊपर भी अलग देवी देवता हैं। देयर आर सम वुमेन डिविनिटीज टू सच एज अदिति उषा रिप्रेजेंटेड द अपीयरेंस ऑफ द डाउन बट दे आर नॉट प्रोमिनेंट एट द टाइम ऑफ द ऋग्वेदा। और भी कुछ हमें देवी देवता मिलते हैं जिसमें कुछ देवी के नाम हैं अदिति उषा, लेकिन ये इतनी फेमस नहीं है जितने कि जो हमारे इंद्र वरुण वो सब थे। हाउ एवर गिवन द पेट्रियार्कल सोसाइटी ऑफ दिस पीरियड द मेल गॉड वॉज फार मोर इम्पॉर्टेंट देन द फीमेल। तो इस सोसाइटी में यहाँ पर देवी देवता दोनों मिल रहे हैं लेकिन जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे वो थे हमारे लिए यहाँ पर मेल गॉड, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, उनकी ज़्यादा पूजा होती थी और उन्हीं के आपको ज़्यादा जाप मंत्र वगैरह ऋग्वेद में वो ज़्यादा मिलेंगे। जैसे कि सबसे ज़्यादा मिलते हैं इंद्र के बाद, इंद्र जो देवता उनके लिए, उसके बाद फिर अग्नि। जो डोमिनेंट मोड था वर्शिपिंग का, ठीक है, वो ये था कि प्रेयर्स होती थी उनके लिए, सेक्रीफाइस होते थे कि किस तरह की जो जो उस समय जो चढ़ाते थे हवन कुंड वगैरह में चीज़ें चढ़ाते थे। प्रेयर्स प्लेड एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन द ऋग्वैदिक टाइम बट कलेक्टिव एंड इंडिविजुअल। तो प्रेयर दोनों तरीके से होती थी, या तो बहुत सारे लोग मिलकर करते थे या फिर कोई इंडिविजुअल चाहे तो वो भी कर सकता है। ओरिजिनली एवरी ट्राइब और द क्लैन वॉज द वॉटरी ऑफ द स्पेशल गॉड एंड इट सीम्स डैट प्रेयर वर ऑफर्ड टू द गॉड इन चॉरस बाय द मेम्बर ऑफ द एंटायर ट्राइब। दिस इज ऑल्सो हैपन इन द केस ऑफ सेक्रीफाइस। अग्नि इंद्र पर इनवाइटेड टू द पार्टेक ऑफ द सेक्रीफाइस मेड बाय द ट्राइब। तो जो अग्नि और जो इंद्र है इनको भी पूजा जाता था, जो उस समय जो ट्राइबल वगैरह होते थे वो सारे मिलके पूजा करते थे, ऑफरिंग्स चढ़ाते थे इनको, मतलब बहुत सारी चीज़ें ऑफर करते थे जिसमें कुछ वेजिटेबल्स होती थी, बारले वगैरह होते थे जो भगवान को चढ़ाए जाते थे। बट इन ऋग वैदिक टाइम दिस वॉज नॉट एकॉम्पनीड बाय द रिचुअल और द सेक्रीफिशियल फॉर्मूला। एट दिस स्टेज द मैजिकल पावर वर्ड वॉज नॉट कंसिडर्ड एज इम्पॉर्टेंट, इट बिकम इन द लेदर फीडिंग टाइम। लेकिन यहाँ पर अभी शुरुआत में बहुत ज़्यादा किसी भी तरह के जो रिचुअल वगैरह हैं या सेक्रीफिशियल के भाई हमें जानवरों की बलि चढ़ा देना है, ये सब चीज़ें बहुत बड़े लेवल पर नहीं होती थी। कोई जो मैजिकल पावर है वो ऐसा कोई वर्ड अभी तक आया नहीं था, लेकिन ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा वर्स्ट तब हो जाएंगी जो हमारा लेटर वैदिक टाइम आएगा, जिससे आगे वाला जो वैदिक टाइम आएगा तब ये अपने बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पर पहुँच जाती हैं सब चीज़ें। वाई डिड पीपल वर्शिपिंग गॉड ड्यूरिंग द ऋग वैदिक पीरियड? दे डिड नॉट डू सो फॉर द स्पिरिचुअल अपलिफ्ट फॉर एंडिंग द मिस्ट्रीज ऑफ द एग्जिस्टेंस। अभी शुरुआत में जो ये जितनी भी जो पूजा हो रही है ना वो इसलिए हो रही है कि कहीं ना कहीं वो यहाँ पर नेचर को थैंक यू बोल रहे हैं।
किसी भी तरह कोई स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट कोई इस तरह नहीं था, कोई जादू टोटका टोना टाइप नहीं था। सिंपल वो इसलिए पूजा कर रहे हैं क्योंकि ना उन्होंने नेचर के नाम पे कि ये हमारे पानी के देवता हैं, ये हमारे अग्नि के देवता हैं, ऐसे मान के वो उनको इतना थैंक यू बोलना चाहते थे। लेकिन बाद में ये चीज़ें नेचर की तरफ ध्यान चला जाता, सारा हट जाता है, बस देवी देवता तक ही ध्यान रह जाता है। द प्रिंसिपल ही आस्क फॉर प्रजा, तो वो यहाँ तक जब वो ये पूजा वगैरह करते थे शुरुआत में, तो ये अपनी प्रजा के सुख शांति के लिए या फिर जो बच्चे होते थे उनके लिए दुआ करते थे, पशु वगैरह के लिए दुआ करते थे, मांगते थे, और फूड, वेल्थ, हेल्थ, इन सब के लिए वो प्रेयर करते थे। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाता है। ये क्रोनोलॉजी दी हुई है, आप चाहे तो उसको पढ़ सकते हैं, टाइम लाइन आपको क्लियर हो जाएगी। तो चैप्टर काफ़ी लंबा था वैसे तो, लेकिन होपफुली मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको चैप्टर समझ आया होगा। तो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आगे और अच्छी वीडियोज़ के लिए। थैंक यू।